स्टार्ट करें। हाँ श्रेया, कल एब्सेंट थी तो आज सब बाउंसर जाएगा, सब कुछ बाउंसर जाने वाला है आज। हल्का सब पढ़े हो क्या? आता नहीं आता? राज श्रवणी, आता कि नहीं आता? क्या टेस्टिस क्या है? वैस्कुलरिस क्या हो रहा भाई? गांजा फूका है क्या? गांजा फूका है क्या? चलो अभी क्वेश्चन पूछना चालू करता हूं मैं और तुम आंसर देना चालू करोगे, ठीक है? क्वेश्चन चालू करते हैं, सही ना प्राची? नहीं, ये तो एपिडिडामिस है ना, ये वाला। मेरे को मालूम है कल के लेक्चर में सबको सब कुछ बाउंसर जा रहा था, बहुत फास्ट गया है ना सब कुछ, बहुत फास्ट हुआ ना। कल समझा? घर जाके देखा कुछ नहीं समझा, इधर क्लास में सब कुछ समझ गया, नाम भूल गया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, सही है ना? टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, अगर मैं ह्यूमन का सेक्स ऑर्गन देखूं तो मेरे को मालूम है एक है मेल और एक है फीमेल। मेल में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही है ना? अब अगर मैं देखूं कि यहां पे अगर मैं देखूं, हम लोगों ने मेल हो या फीमेल हो हमने डिवाइड किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इधर कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सही है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ऐसा सेक्स ऑर्गन जहां पे गैमेट बन रहा है, जो कि क्या फॉलो हो रहा है? गैमेट बनने को क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस। ऐसा ऑर्गन जहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है या फिर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। सही है ना? प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। अगर मैं गैमेटोजेनेसिस बोलूं तो मेल में गैमेटोजेनेसिस कहां पे हो रहा है? अगर मेल की बात करें तो किधर हो रहा है? मेल में किधर? टेस्टिस। सही है? फीमेल में ओवरी। सही है? मतलब ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सही है? मेल में सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल में सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। क्लियर हुआ? अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने देखा कि दूसरे जो भी ऑर्गन्स हैं सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, जैसे कि मेल्स में
मेल्स में, अगर मेल्स में देखू तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, तभी अपन को मालूम था कि एपिडिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, एम्प्यूला क्या होता है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, तभी अपन को मालूम था क्या? नहीं, तो हमने लिखा था एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी अपन को सारी चीजों का नाम मालूम है, सही है ना? अब हमको सब कुछ मालूम है। अब अपन को मालूम है कि मैं वास डिफरेंस के बाद एक्सेसरी डक्ट्स क्यों लिखूं? मेरे को मालूम है एम्प्यूला, सही है, मेरे को मालूम है एम्प्यूला, मेरे को मालूम है ग्लैंड्स में कौन है, सबसे पहला ग्लैंड, सबसे पहला इधर से आते टाइम सेमाइनल वेसिकल, सबसे पहला कौन? सेमाइनल वेसिकल, सही है। उसके बाद कौन है? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद कौन है? काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सही है। और क्या है इसमें? टेनिस। और क्या? स्क्रॉटम। आया आया डक्ट में कौन? वो भी ऐड कर देते हैं, इधर ही लिख दूं मैं, एम्प्यूला एंड यूरिनो जेनिटल डक्ट, सही है। अब मेरे को मालूम पड़ गया ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, तो ये तीनों मिलके बनेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, सही है। ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, तो ये तीनों कंबाइन होकर बनेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, सही है। तभी अपन को मालूम नहीं था, तो हमने एक्सेसरी वर्ड यूज किया, सही है। स्टार्टिंग में हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स लिखा था, एक्सेसरी डक्ट्स लिखा था, क्योंकि हमको सब चीजों का नाम नहीं मालूम था, और जब स्ट्रक्चर बनाया तो अपन को पूरा नाम मालूम पड़ गया। एक्सेसरी डक्ट्स मतलब कौन कौन? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर एम्प्यूला और फिर यूरिनो जेनिटल डक्ट। ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर हुआ? ऊपर से सब नाम ही हार्ड है ना, इजैक्युलेटरी डक्ट इन दोनों के बीच में बैठ जाता है, सही है, तो मैं वो अवॉइड करूंगा, यूरिनो जेनिटल डक्ट लिख दिया सीधा, सही है। क्लियर हुआ? बाउंसर जा रहा है श्रेया को, सब बाउंसर जा रहा है। इधर तक इजी था। फीमेल्स में अपन ने पढ़ा नहीं अब तक। फीमेल्स में अपन को मालूम है पहला तो फैलोपियन ट्यूब, दूसरा कौन? यूटेरस, फिर सर्विक्स, फिर वाजाइना। ऑर्डर में जाने का, फैलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस, फिर सर्विक्स, फिर वाजाइना। क्लियर हुआ? इधर तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? मेरे को ये नहीं समझा था, बाउंसर गया। यश पक्का? इधर तक पक्का समझा? अब इसके बाद अपन ने पढ़ा था टेस्टिस, अपन ने टेस्टिस को पढ़ना शुरू किया था, सही है ना। टेस्टिस में अपन ने देखा था कि टेस्टिस सच में ऐसा पिट्यूटरी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मॉर्फोलॉजी ऐसा पिट्यूटरी शेप का होता है, सही है ना। ये स्क्रॉटम सेप्टा, सही ना, ये क्या था? स्क्रॉटम, ये क्या है? सेप्टा। इसका अंदर क्या है? टेस्टिस। इसका अंदर क्या है? टेस्टिस। ये फिर कवर्ड है किससे? स्क्रॉटल सैक से। क्लियर हुआ? ये क्या है? स्क्रॉटल सैक, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है, सही है। मतलब बाहर क्या है? स्क्रॉटम, फिर है अंदर स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक का अंदर है टेस्टिस। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इन दोनों में एक को पढ़ना स्टार्ट करूं, तो अपन ने देखा था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था इसका, सही ना। अपन एक ही साइड देख रहे हैं, दोनों ने सिर्फ एक साइड, सही है। तो मेरे को मालूम है कि ये क्या है? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम इसका अंदर ये क्या आ रहा था वापस? स्क्रॉटल सैक आया इसके अंदर, ये क्या आया? स्क्रॉटल सैक, सही है। फिर इसके अंदर ये क्या था? ये क्या है?
टेस्टिस, सही है, ये क्या है टेस्टिस, टेस्टिस कनेक्टेड था किससे, इधर ग्यूबरनाकुलम नाम का एक टिश्यू है जो इस टेस्टिस को होल्ड करके रखा ऊपर, सही है, सही है, स्क्रॉटम स्क्रॉटल सैक टेस्टिस ग्यूबरनाकुलम आया। ग्यूबरनाकुलम के बाद क्या था, अपन ने देखा था कि ये लड़की का फेस है, टिकटॉकर का फेस है, तो एक पफ बनाया था अपन ने, ये क्या है एपिडिडाइमिस, ये क्या है एपिडिडाइमिस, अब इधर से वापस क्या हो रहा था, एक बार इधर तक एपिडिडाइमिस दिख रहा तुमको, जैसा ये अलग हुआ अब यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये वास डिफरेंस, क्या ये वास डिफरेंस, सही है चीज। अपन ने कल देखा कि ये सच में ऐसा ट्यूब नहीं है, कॉइल्ड है, सच में ये पूरा ऐसा कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है ऐसा, सही है, ऐसा नहीं ऐसा समझा, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, समझा ये पक्का, ये क्या है एपिडिडाइमिस, ये क्या है वास डिफरेंस, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इधर तक। अब मेरे को मालूम है कि यहां पे एक मसल था, यहां पे, यहाँ पे एक मसल है, इस मसल का नाम क्या है, डार्टोस मसल, सही है, क्या नाम है इसका, डार्टोस मसल, वापस से सब नेमिंग चालू करते हैं, ये क्या है स्क्रॉटम, ये क्या है स्क्रॉटम, ये क्या है स्क्रॉटल सैक, सही है, ये क्या है टेस्टिस, सही है, ये क्या है ग्यूबरनाकुलम, क्या ये ग्यूबरनाकुलम, सही है इधर तक, ये क्या है, अब ये क्या है एपिडिडाइमिस, सही है, ये क्या है एपिडिडाइमिस, अब ये क्या है वास डिफरेंस, क्लियर हुआ, ये क्या है डार्टोस मसल, सही है, ये क्या है डार्टोस मसल, अपन ने पढ़ा कि इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक मसल होता है, इधर भी एक मसल होता है ऐसा पूरा जो इसको ऊपर खींचता है, ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, नीचे लिफ्ट कर सकते, नीचे छोड़ सकते हैं, ऊपर लिफ्ट किया नीचे छोड़ा, ये वॉलंटरी है, सही है ना, तो ये मसल कौन सा है, स्मूथ मसल, और ये वाला मसल कौन सा है, इसका नाम क्या है क्रेमास्टर मसल, सही है, इसका टाइप क्या है स्केलेटल मसल, इसका टाइप क्या है स्केलेटल मसल, सही है स्केलेटल मसल, इधर तक किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब मेरे को मालूम है ये भी इसी के पास से जा रहा है, सही है, इसमें अभी एक इधर से एक आर्टरी आएगा जो अंदर ब्लड लेके जाएगा, एक वेन आएगा जो बाहर ब्लड लेके जाएगा, सही है ना, ये सब कुछ इस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, सही है, सही है ना, मतलब एक ऐसा ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर है, इसके ऊपर का पार्ट खुला हुआ है, सही है ना, अगर मैं ये बोलूं कि ये ऐसा मैं खोल देता हूं इसको, अगर मैं इसको ऐसा खोल दिया, नीचे से पार्ट भी खोल देता हूं और सारे वायर्स इसके अंदर से पास करता हूं, उधर से निकालता हूं, सही है, तो सब इसके अंदर आ जाएंगे, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, पर मैं इसको मैं कॉर्ड बोलूंगा, कॉर्ड, सही है ना, जब ये ट्यूब लेके जा रहा है, स्पर्म से कैरी करता हूं, ट्यूब लेके जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे बनाने के बाद तुमको ये सब नहीं बनाने का है, तो ये तुमको वापस से बनाने का है, सही है, ये चैप्टर ना, ये चैप्टर दिखने में बस इजी चैप्टर है, अंदर इतना डिटेल में जाता है ना कि तुमको टेक्स्ट बुक सपोर्ट करता नहीं है, कोई ऑथर का बुक पढ़ने के लिए तुम्हारे पास इतना पेशेंस नहीं है, सही है, एक ही चीज़ बार 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 बनाते जाने का, बायो को पढ़ने का एक सिंपल तरीका है, सही है, डायग्राम्स में पढ़ो, मैंने किधर अभी भी तुमको स्टेटमेंट लिखा है क्या अभी तक, नहीं, हर बार स्ट्रक्चर देखो और पढ़ लो कि ऐसा होता है,
सही है ना, इजी हो जाता है तुमको, पढ़ने टाइम कम लगता है, इमेज तुमको लंबा याद रहता है, सही है पक्का। इधर बायो ना सिंपल याद रखने का, ये तुम्हारा डायग्राम है, इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ ना तो पूरा दो पेज का आंसर बनेगा, सही है। और दो पेज का आंसर तुम रट लोगे, ऐसा बताऊंगा तो तुमको समझ में आएगा, सही है ना, तुमको मालूम रहेगा इसका अंदर ये होता है ये होता है, ये सब कनेक्शन एक साथ जाता है, इसको हम फॉर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, बाहर वाले को हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो अगर अगर तुमको आंसर में लिखा होगा कि भाई इसको और इसको इंग्विनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, तो अगर तुमने नहीं समझा रहेगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में, सही है। तो तुमको मालूम रहेगा कि ये वाला इंग्विनल कैनाल है और ये वाला स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इंग्विनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड, सही है ना। अगर ये ऐसा इंग्विनल कैनाल है, अगर मैं बोलूँ ये वाला, ये ऐसा इंग्विनल कैनाल आ रहा है, ये एब्डोमेन इधर कंटिन्यू होएगा, सही है। अगर तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो और तुमने इधर टाइट नहीं होल्ड करके रखा है, तो वो वेट लिफ्ट करने से तुम्हारे कोर पे प्रेशर आएगा, तुम्हारे कोर पे नीचे जो इंटेस्टाइन का जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगा, वो फटेगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन इसमें आके फंसेगा, सही है। जब वो इंटेस्टाइन ऊपर से फट के इसमें आ रहा है ना, तो तुमको एक्सट्रीम पेन देगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे हर्निया, क्या बोलेंगे उसको, हर्निया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर तुमको पूछने में आता है कि हर्निया हर्निया किसके वजह से होता है, इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्रेमास्टर मसल की दार्तोस मसल, सही ना, इंग्विनल कैनाल। बट अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई तुम ऑथर का बुक पढ़ो, तो ऑथर के बुक में लिखा रहता है कि हर्निया 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 क्यों होता है, क्योंकि मसल टेयर होकर दूसरी रीजन में चला जाता है, इसके लिए हर्निया होता है, सही ना। मसल टेयर हो रहा है और वो रीजन दूसरी रीजन में चला जा रहा है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको हर्निया बोलते हैं। अगर तुमने इतना ही पढ़ा है, तुमने बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारा आंसर दो के बीच में रहेगा, या तो तुम क्रेमास्टर मसल को देखने की कोशिश करोगे, या तुम दार्तोस मसल को देखने की कोशिश करोगे, तुम्हारे लिए कैनाल एग्जिस्ट ही नहीं करते, समझा। ये कॉन्सेप्ट पूरा देखो क्या प्रॉब्लम है, किधर तुम ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो ना वो देखो, समझा। इधर पक्का अपन ने ये भी देखा कि मैंने ये तो एब्डोमेन में था, टेस्टिस तो एब्डोमेन में था, मैं इसको खींच के नीचे स्कॉटम में क्यों लेके आया, क्या हुआ, दो डिग्री कम चाहिए गैमेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनाने के लिए 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए हमारे बॉडी से। तो अगर इधर होगा तो टेम्परेचर तो बॉडी का ही मिलेगा, जो खींच के बाहर लेके आओ, सही है। पर तुमने पूछा कि कैसे होता है ये, हाँ क्या फीटल स्टेज में होता है, ठीक है, 7th मंथ कैसा पूछा है, तभी कैसे होगा, कुछ तो आया होगा ना, कुछ तो आके सिग्नल दिया हुआ है भाई 7वें महीने में चलो बाहर, सही है ना, चल भाई 7th मंथ चल बाहर निकल, बताया होगा ना, सही है ना। तुमको ऐसे नहीं लगता, कहीं कहीं जगह पे ये भी डिफेक्ट मिलेगा कि स्क्रॉटम बाहर ही नहीं आया, स्क्रॉटम अंदर है, देखा ये चीज, हाँ एनिमल्स उनमें नेचुरली होता है, तुमने देखा किसी इंसान के बच्चे का आदमी है स्क्रॉटम बाहर नहीं आया, तुम बोलोगे शेख ट्रांसजेंडर, तुम बोलोगे ऐसा, नहीं बोल सकता, सही ना, नहीं बोल सकता। तो पूछने का क्यों हो रहा है भाई ऐसा, कौन करा, स्पर्म बनेगा, टेस्टिस है ना अंदर, सही है, बट उतना एफिशिएंटली नहीं बनेगा। मैं ना तुमको बताऊँ ना, मैं जेजे में था ना जब, तब एचआईवी पेशेंट्स से बहुत काम करते थे हम लोग करके, ठीक है। तो एचआईवी पेशेंट्स के साथ साथ ना बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स वाले आते थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्टेराइल लोग होते थे, मतलब स्टेराइल हो जाते थे, स्टेराइल मतलब कैसा, उसके बॉडी में पेनिस बराबर है, इरेक्ट हो रहा है, सही है ना, सीमन भी बराबर बन रहा है, बट बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तब तो उसको बिठा के पूछते हैं ना कि भाई तू क्या काम करता है, तेरा प्रोफेशन क्या है, तो वो बताता है कि भाई मैं तो वेफर बनाता हूँ, क्या करता है, मैं वेफर बनाता हूँ, सही है। तो उसको पूछा जाता है भाई वेफर कैसे बनाता है, तो बोलता है हमारे इधर ना बहुत बड़ा कढ़ाई रहता है, वो कढ़ाई में तेल भरते, नीचे ऐसा स्टैंड रहता है, उसके ऊपर कड़े लगाते हैं ऐसा, और पूरा ऑयल भरते हैं उसमें, और फिर उसमें वेफर डालते हैं, हम खुद ही ऐसा तलते हैं, सही है।
तुमने देखा उसका प्रोफेशन सीधा सीधा उसके स्पर्म बनाने के पोटेंशियल को हैम्पर कर रहा है, कैसा? क्योंकि उसका उसका टेस्टिस जो रीजन में है ना, वही रीजन में वो ऑयल गर्म कर रहा है, सही है ना? अब उसकी बॉडी से तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसमें, अब क्या आएगा वो रीजन पे गैमेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, बड़ा टेम्परेचर मिल रहा है। जब टेम्परेचर बड़ा मिल रहा है तो भाई की सीमन में फ्रक्टोज है, सही है ना, सब कुछ है, आयंस है, बट स्पर्म मरे हुए हैं, सही है ना, स्पर्म मरे हुए हैं, स्पर्म इमेच्योर है, सही है ना, गैमेटोजेनेसिस ढंग से नहीं हो रहा, सही है। बहुत केस मिलता है ऐसा, बहुत केस मिलता है जिनका प्रोफेशन उनके स्पर्म पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर देता है, समझा ये चीज? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर तुम MBBS करना चाहते हो ना तो ये देखो, मैं ना डॉक्टर दो तरीके के देखे हैं अपन ने। तुम जब लोकल डॉक्टर के पास जाते हो ना, तुम उसको बोलते हो भाई मेरे को बहुत सर दुख रहा है, तो तुमको सर दर्द का गोली देगा, भाई मेरे को सर के साथ कमर भी दुख रहा है, ले कमर दर्द का भी गोली ले, ठीक है, भाई मेरा आँख पीला है ये ले, भाई मेरे को लूज मोशन है ये ले, मतलब हर चीज़ के लिए एक एक गोली दे रहा है, सही है। कोई भी एक गोली ढंग से काम करेगा तो उसको वो प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, एक डॉक्टर ऐसा होता है, सही है। और तुम किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास गए ऐसा हॉस्पिटल में, कहेगा भाई वो तुमको बिठाता है, तुमको पूछता भाई तू प्रॉब्लम बता क्या है, तू बोलेगा ना सर दुख रहा है, अच्छा ठीक है आगे, तू बोलेगा ना पेट दुख रहा है, अच्छा ठीक है आगे, मेरा कमर दुख रहा है, ठीक है आगे, ठीक है मेरा आँख पीला है, अच्छा आगे, सही है, वो बोलेगा मेरे को भूख नहीं लगता, अच्छा आगे मेरे लूज मोशन हो गया, आगे वोमिटिंग हो रहा है, आगे वो पूरा सिम्टम सुनेगा, सब सिम्टम को कलेक्ट करेगा, एक डिजीज देखेगा और उसी डिजीज के लिए या तो तेरे को बोलेगा टेस्ट करा, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, सही है ना, सही है ना। जनरली तुम बड़े डॉक्टर के पास जाते हो ना, पहला बोलते हैं ब्लड टेस्ट, मेरे को मालूम है सिम्टम्स क्या है, डिजीज अपन को मालूम पड़ गया है, कंफर्म मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि बॉडी में कितना आगे बढ़ गया है, ठीक है। तुम दो टाइप के डॉक्टर देख रहे हो, सही है ना। याद रखने का, पहला वाला डॉक्टर बनने के लिए तुमको हर चीज को शांति से सुन के समझना पड़ता है, इधर भी सेम लगाने का, शांति से सुनने का, आराम से सुनो तुमको मालूम पड़ेगा कि इधर क्या चीज होने वाला है, समझा ये पक्का? अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई एक पर्सन आया बोल रहा है भाई मेरा पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, तो तुम उसको गैमेटोजेनेसिस का दवाई देगा क्या? क्या फर्क पड़ने वाला उसे? वो बोलेगा गोली खाया चल बराबर हो गया, बट वो दवा असर किया क्या उसको, करेगा क्या? नहीं ना। तो दांत दुख रहे और तू क्रोसिन देगा तो असर करेगा क्या? नहीं करेगा ना। यहाँ पे भी सेम चीजें चल रही हैं। तुम एक एक का इफेक्ट देखोगे ना, एक का इफेक्ट देखोगे तुमको ऑटोमेटिकली आगे सब चेन में दिखेगा, सही है। अभी तुमको मालूम पड़ गया कि ये वाला मसल क्लाइमेट के हिसाब से काम करता है और ये वाला मसल तुम्हारे हिसाब से काम करता है, सही है ना। ये वाला क्लाइमेट के हिसाब से काम करता है, ये वाला तुम्हारे हिसाब से काम करता है, समझ रहे चीज? इधर तक बाउंसर ऊपर से जा रहा है, नहीं इसमें और कुछ तुम ऐड कर सकते हो, और कुछ जो बताया तुम ऐड कर सकते हो? इतना ही था ना कल, इतना ही था। इंग्यूनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, आर्टरी आ रहा है, वेन जा रहा है, सही है। इधर आर्टरी आ रहा है, वेन जा रहा है, ये क्या है इधर? क्रेमास्टर, डार्टोस मसल, स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ग्यूबरनेकुलम, खत्म फटाफट। हाँ, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड हर्निया वाला, हर्निया इज कॉज बाय, हर्निया इज कॉज बाय रप्चरिंग ऑफ डैश फर्स्ट इंग्विनल कैनाल, बी स्पर्मेटिक कॉर्ड, सी क्रेमास्टर मसल, एंड फोर डार्टोस मसल।
ये वाला रब करू क्या, ये फटाफट बुक में स्क्रॉटल सैक टेस्टिस फटाफट डायग्राम बनाओ फटाफट। बनाया हुआ तो वापस से बनाओ, और जिन लोगों को होमवर्क बोला तो 10 बार किया गया पक्का, क्या सुलेखा किया दिखा सही नहीं होमवर्क क्यों अभी 20 बार डबल का डबल हो रहा है, 5 का 10 किया 10 का 20 कल वापस मत कर 20 का 40 करता हूँ भाई। अभी ऐसा मत बोलो, क्या टाइम नहीं मिलता तुमको क्या होमवर्क, तुम 12th में हो ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, अभी तक तो कॉलेज चालू नहीं हुआ, लेक्चर के बाद में बंद करके जा रहा हूँ आज ब्रेक नहीं आज तुम कुछ बोलो मैं शॉर्टकट निकालेंगे बना ये चैप्टर ना, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जैसा नहीं है, तुम 1-2 बार 3 बार पढ़ के ये याद नहीं रहेगा, ये डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ है बहुत कुछ है। या तुम बोलो घर पे खुद कर लोगे मैं आगे बढ़ जाता हूँ आगे बढ़ता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आता है बायो का एमसीक्यू टेस्ट रखो क्या मैं संडे को 100 questions चैप्टर नंबर 1 संडे रखो 100 questions 1 घंटा। अबे पूरा पेपर 20 मिनट का होता है बायो का, पूरा नीट का 20 मिनट में खत्म होता है ढंग से पढ़ाने का। तो मैंने मेरा सीईटी का 100 मार्क्स का जो था ना बायो 100 और 100 था, पहला टेस्ट पहला सीईटी जो था ना, मैंने पूरा पेपर 25 मिनट के अंदर निकाला था पूरा पेपर, देख रहा क्वेश्चन देखा टिक गया क्वेश्चन देखा टिक गया क्वेश्चन देखा टिक, मालूम ही था आंसर यही है मालूम ही था, बाकी सारा सारा टाइम है ना फिजिक्स और केम में यूज किया, फिर भी उधर खराब हुआ सही में है। हो गया नहीं फर्स्ट चैप्टर ना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा पूरा चैप्टर एमसीक्यू टेस्ट 400 मार्क्स सही ना, इज्जत का कबाड़ा होगा पूरा, सर हमको ऐसा ऊपर लेके जा रहा है ऐसा ऊपर लेके जा रहा है ऊपर लेके जा रहा है, संडे को 400 में से 40 धाड़। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अभी इधर से क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, ये वाला वास्ट डिफरेंस किधर जाने वाला है, वास्ट डिफरेंस इधर आएगा ऐसा बाहर आया सही है। अभी अपन ने पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर, देखा था ना यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है क्या, इधर यूरिनरी ब्लैडर और यहां से यूरेटर आ रहा है ऊपर से, क्या रहा है ये यूरेटर सही है ना, ये क्या है, ये क्या है यूरेटर, तुम्हारे किडनी से यूरेटर बाहर आता है और तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है सही है ना, आगे यूरिनरी ब्लैडर है ऊपर से आता है और ऐसा जाता है सही है। अब यहां पे क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या है इधर यूरेथ्रा, अब इधर आगे क्या आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या इधर प्रोस्टेट ग्लैंड, थोड़ा आगे
सही है ना ये चीज। इधर क्या है, काउपर्स ग्लैंड, सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सही है। और इधर नीचे, इधर क्या होने वाला है, एक इरेक्टाइल टिश्यू, यहां पे एक स्वेलिंग बताया था मैंने, सही है। अब यहां पे क्या था, और एक मसल था, देखा था ना, और एक मसल था यहां पे, इसमें क्या था, ब्लड वेसल्स था, इसमें क्या था, ब्लड वेसल था, इसमें क्या है, ब्लड वेसल है, सही है। अब इधर क्या था, और बार प्रेप्यूस, देखा था ना, ये क्या है, ये प्रेप्यूस, देखा ये चीज, इधर तक क्लियर था, क्लियर था। ये क्या है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर, इधर यूरेथ्रा, इधर जेनाइटल डक्ट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, क्या बोलेंगे इसको, यूरेथ्रा, सही है ना, सही है ना। यूरेथ्रा फिलहाल मैंने डक्ट कनेक्ट नहीं किया है, तो पूरा यूरेथ्रा, सही है। प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, और ये पूरा पेनिस, ये इरेक्टाइल टिश्यू, बाहर वाला इरेक्टाइल टिश्यू, बट इसमें ब्लड वेसल है। इसके बाद प्रेप्यूस, सही है, यहां पे लिखता हूं ये वाला और ये वाला इरेक्टाइल टिश्यू, सही है। सबसे बाहर कौन है, प्रेप्यूस, सही है, बाहर कौन है, प्रेप्यूस। इसको इधर से हटा के नीचे करूं, क्या हुआ जय, समझ रहा नहीं समझ रहा, प्रेप्यूस, सही है। ये इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, ये वाले रीजन को ग्लैंड्स पेनिस, क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स पेनिस, या फिर यूरेथ्रल मीटस, सही है। ये वाला, ये वाला जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये वाला, ये वाला यूरिनो जेनाइटल ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब ओपनिंग, किधर भी ओरिफाइस दिखा, ओपनिंग, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इधर तक एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अभी यहां पे, यहां पे ये वास डिफरेंस आएगा, यहां से, यहां से ऐसा आएगा, ये ऊपर से ऐसा, क्लियर हुआ ये चीज, और यहां पे कनेक्ट होगा इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला जो ग्लैंड है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ, वो पूरा पूरा प्रोस्टेट, पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखने का, बहुत मेल्स में ना ये प्रॉब्लम होता है, जब इनका एज एज बढ़ता 65-70 के होता है ना, तो प्रोस्टेट ना अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करता है। मेल से बहुत कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, सुना रहेगा तुमने, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, प्रोस्टेट अपना साइज इंक्रीज कर देता है। जनरली इसका, इसका जो मास होता है ना, वो ये जो 20 ग्राम के साइज का होता है, कितना, 20 ग्राम, बट ये साइज इंक्रीज कर करके, कर करके 80 ग्राम का हो जाता है, कितना, 80 ग्राम। बट जब ये मोटा होता है ना, ये मोटा होता है ना, अंदर के स्वेलिंग को दबाना शुरू करता है, क्या करता है, अंदर के स्वेलिंग को दबाना शुरू करें। अभी ये अगर बंद हुआ तो ऊपर से यूरिन नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ब्लैडर फुल है,
ब्लैडर फुल है, बंदा पानी पी रहा है, ब्लैडर भरते जा रहा है, ये भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, ब्रेन सिग्नल दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को प्रेशर दे रहा है, पर नीचे से पाइप बंद है। सही है ना, समझा ये चीज, समझा। इधर पानी भरते जा रहा है, अपन को मालूम है इधर मैक्सिमम 750 ml भरता है मैक्स, सही है ना, उसके ऊपर नहीं। अपन ने पढ़ा ये चीज एक्सक्रीशन और ऑस्फो रेगुलेशन में, 750 का 800 हुआ ना तो बॉडी ना ब्रेन ना यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल देता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कराओ, सही है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि यूरिन आगे जाए, सही है। बट अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के स्वेलिंग से और ऊपर से उसको कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, ये प्रेशर धीरे धीरे इधर बढ़ने लगेगा, सही है ना। मतलब ये पूरा वेट कर रहा है कि यूरिन आए, बट प्रोस्टेट ग्लैंड उसको छोड़ नहीं रहा। सच में ऐसा सीधा भी नहीं होता, अपना यूरिनरी ब्लैडर इधर होता है, पेनिस ऐसा आता है तो ये चीज ऐसा जाएगा, समझा। ये डायग्राम अपन ऐसा सीधा बनाते हैं, बट सच में पेनिस ऐसा आएगा, यूरिनरी ब्लैडर ऊपर है तो ये ऐसा निकलने वाला है, तो मैं इसको इसी पॉइंट पे ब्लॉक करता हूं, समझा ये चीज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये भी डिजीज कंडीशन है, सही ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये भी तुमको आएगा आएगा, ये भी केस मिलेगा तुमको। कैथेटर होता है, कैथेटर, कैथेटर पतला सा ट्यूब होता है, इस कैथेटर को इधर से इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट करते 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 ये बन किया ना, है तो टिश्यू ही ना, ठीक है। तुम एक तो पतला स्ट्रॉ जैसा रहता है ट्यूब, फ्लेक्सिबल ट्यूब रहता है, इधर से डालते हैं डालते हैं इधर से जाते हैं, इसको पुश कर देता है, सही है, मतलब इसको साइड कर दिया जाता है, सही है। जब तक कैथेटर अंदर है यूरिन स्मूथ निकलेगा, सही है। अगर कैथेटर निकाल दिया फिर से बंद कर देगा प्रोस्टेट, फिर बंद कर देगा, सही है ना, समझा। ये समझा, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम ऐसा पूरा एकदम स्टैक बना के रखा है और मैं बीच में से पाइप घुसा रहा हूँ, सही है ना। जब तक पाइप है तब तक उतना ओपनिंग रहेगा, मैंने जैसा पाइप हटा दिया ये फिर बंद कर देगा, समझा ये चीज पक्का। अभी ये सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, प्रोस्टेट कोई काम का नहीं है फिलहाल, तो अभी ये हम में काम का होता है क्योंकि सीमन प्रोडक्शन के लिए बैठता है, सही है ना। बट धीरे धीरे एजेड है, जो एज है 70 एज का है, 65-70 है, 80 है, उनमें स्पर्म का कोई काम नहीं होता, वो क्या ही करेगा जनरेशन बढ़ा कर, सही है ना। अब क्या करता है उसमें प्रोस्टेट ही रिमूव कर देता है, बट यहाँ पे कैसा होता है कोई कोई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, प्रोस्टेट क्यों रिमूव करेगा, सही है। तो उनमें क्या करता है इधर से लेजर ऑपरेशन करते हैं, कैथेटर डालते हैं और इधर पहुंचता ना तब वो लेजर से उतना पार्ट टेयर करके भी स्क्रैप कर करके निकाल लेते हैं, समझा। अगर मैं बोलूं ये बंद कर दिया, अगर मैं बोलूं कि यहां तक ऐसा यूरिनोजेनिटल डक्ट है, क्या हुआ, फिर से नहीं होगा। अगर ये बोल रहा हूं ऐसा प्रोस्टेट हो गया, सही है, वापस से ऊपर जाने के बाद क्या है ऐसा, सही है। ये क्या करेगा, इधर से डालेगा, इसको स्क्रैप करेगा, स्क्रैप करते जाएगा, स्क्रैप करते जाएगा, जिधर मतलब खींच खींच के निकाल रहा है, सही है ना। देखा ना तुमने, वो देखा तुमने कभी एरिया पे तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे एरिया में बैठे हो गए, स्कूटी लिया किसी ने नया नया, तो आदमी आता है उसके सीट के ऊपर बैठा है और सीट को ऐसे नाखून से लेके ऐसे स्क्रैप करता है, देखा है ना, बहुत कॉमन है वो चीज़, है ना। पहले क्या करता है, पहले स्क्रैप करे तब नया नया है, सही है ना। फिर क्या है? और स्क्रैप किया और नाखून से निकाला, निकाला 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 अंदर तक पहुंच गया, अब इतना हो गया कि उंगली मिल जाएगा अंदर, देखा ये चीज, देखा ये लोग सेम चीज ऐसा कर करके इसको निकाल देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ। टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैथेटर बस होता है। हाँ कैंसर अलग होता है, कैंसर वाले केस में प्रोस्टेट निकाल दो क्योंकि वो फिर से मोटा होगा, सही है। बट अगर मैं निकाला एक 70% एज वाले पर्सन में निकाला, मैंने मेल में इतना स्क्रैप करके निकाला, उसको फिर से ग्रो होने के लिए दूसरा 25-30 साल लगेगा, तब तक वो चला जाएगा, सही है ना। तो उतना काम हो रहा है, समझा इस चीज पक्का। बहुत सारे डिजीज है यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर तुम धीरे 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 समझेगा, जगह देख के पढ़ने का। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे अब ये क्या, मैं अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, बट ये सीधा कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। इसके बीच में, इसके बीच में है इधर, इसके बीच में क्या, इधर एम्प्यूला, क्या इधर, क्या इधर एक स्वेलिंग रीजन है, ये क्या है एम्प्यूला, ये क्या है इधर
एम्पील, ऐसे काम क्या है? स्पर्म स्टोर करना, स्पर्म स्टोर करना, स्पर्म इधर से स्पर्म ट्रेवल करेगा 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 इधर स्टोर हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि स्पर्म जब इनफ है तो टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाता है, तो बंद कौन करता है? इधर से बंद होता है, एम्प्यूला से बंद होता है। क्लियर हुआ? समझा चीज? एम्प्यूला के बाद डायरेक्टली ये होगा नहीं, और एक चीज है, और एक चीज है इधर सेमाइनल वेसिकल, ये वापस एक ग्लैंड है। ये क्या है? सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? याद रखने का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजी है ना, अगर ऐसा डायग्राम तुमने बना है ना, टीचर पेपर लेके आएगी तुम्हारा। मैं सही बोल रहा हूँ ना, टेक्स्ट बुक में कुछ इतना दिया हुआ है, सही है, टीचर को मालूम पड़ जाएगा कि भाई नीट का तैयारी चल रहा है। क्लियर हुआ? लिखो, ये इजी है ना, समझा? ये इजी क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या, कौन बोला मजा आता है? कौन बोला ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मजा आता है? वे बुक में कुछ दिया ही नहीं भाई, हाँ कुछ दिया ही नहीं बुक में, नहीं दिया कुछ बुक में, हाँ बार 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 ड्रॉ करने का, बार बार लिखने का, तो याद रहेगा ये चीज। वापस वापस पूरा, अभी अभी बहुत लोग वापस से सेम स्टोरी, सर ये कनेक्ट करो ना सर, ये एब्डोमेन है ना, ऊपर एब्डोमेन ऐसा ही है ना, सर वापस आपने गड़बड़ किया, सेम स्टोरी, ये वाला उधर, सही ना सर, ये वाला उधर होता है, ये वाला इधर आए, सही ना तो? भाई तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत खराब है ना। अगर तुमको इधर ही लिखा दो ना, इधर ही लिखा दो ना, तो इसको, ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला विदाउट ब्लड वेसल, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये बाहर जो ब्लड वेसल वाले ना, ये दोनों को हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। बस हो गया सर, बस हो गया, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये आगे आएगा, आगे पढ़ने का ये, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मैं तुमको कल ही बताया, अभी तक अपन ने इसको ऐसा कट किया है, अभी अपन इसको ऐसा कट करेंगे, सही ना, एक लॉन्जिट्यूडनल देखा, अभी एक ट्रांसवर्स देखेंगे, मजा आएगा ना। क्या पागल है रे सर, कुछ भी करता है, ऐसा कुछ नहीं करने का सर, शर्म आता हमको सर, बायो का लेक्चर कोई बैठेगा नहीं, हम आंदोलन पे बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल टीचर लेके आओ सही में, मजाक नहीं कर रहा, सबे सच में मजाक नहीं कर रहा। मैं इसके पहले जिधर था ना, उधर मैंने स्टार्ट किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बोलता नहीं सर फीमेल टीचर से मैं बोला अबे टीचर तुमको प्रैक्टिकल थोड़ी देने वाली है जो भी है बोर्ड पे ही है। अबे नहीं मतलब बच्चे लोग ऐसा, हमको टेंथ में सिखाया नहीं, हमको साइंस की टीचर ने बोल दिया खड़पे से पढ़ के आओ, बहुत सारे स्कूल्स में था ये,
टीचर ने बोला घर पे से पढ़ के आओ, तुमको तो मालूम ही रहेगा, टीचर ऐसे बोलते हैं, तुमको तो पता ही होगा, है ना। हाँ टीचर ऐसे बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम, तुमको तो मालूम ही रहेगा, तुम तो ऐसे रेगुलर देखते हो, ऐसे अपना रोज का डायग्राम बनाने का काम है। इरेक्टाइल टिश्यू हम जनरल में बोलते हैं जब हम कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सही है। मतलब एक टाइप ऑफ ये वाला एक टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल है, और ये टाइप का टिश्यू इसमें प्रेजेंट है। इरेक्टाइल टिश्यू बड़ा कैटेगरी में बैठता है, और ये इरेक्टाइल टिश्यू तुम्हारे पूरे बॉडी में सिर्फ पेनिस के पास है। मतलब पेनिस को एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू दिया है जो इरेक्टाइल टिश्यू है, सही है। रब करूं अभी भाई, इतना देख देख के बना रही प्राची, बिना देखे आना चाहिए तुमको, है ना जुलेखा, बिना देखे आना चाहिए, आना चाहिए बिना देखे। ये तो कुछ कर सकते हो ना, हर चीज मैं ही होमवर्क दूं क्या, घर पे आके बुक खोल के पढ़ने का रहता है। रब करूं, अरे स्टार्ट करू क्या, रब करू ना, रब चलो अभी एक सिंपल चीज, तुम लोगों ने देखा कि इधर इधर सब लोग इधर, तुम लोगों ने पढ़ा कि टेस्टिस एक्चुअली ना एब्डोमेन में होता है, सही ना, फीटल स्टेज में एब्डोमेन में होता है, बट जब सेवेंथ मंथ में होती है फीमेल, तो अगर वो फीटस में मेल है तो वो टेस्टिस नीचे डिसेंड होना शुरू होता है, सही ना, नीचे ड्रैग होना शुरू होता है, सही है। कोई तो है उसको जो नीचे खींचता है, सही है। अब कौन खींचता है, कौन है जो सिग्नल देता है कि भाई नीचे खींचो, चलो सातवां महीना आया बाहर, सही है ना, कोई तो होगा ना। ऐसे मालूम पड़ता ना, ऐसे नहीं मालूम पड़ता, ऐसे मालूम नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसा ही अभी देखो, यहाँ पे सिंपल तुमको समझ में आना चाहिए, अगर ये यूट्रस है इसका अंदर यहाँ पे इम्प्लांट क्या हुआ, एक फीटस है, सही है, फीटस है। अगर ये फीटस सेवेंथ मंथ पे पहुंच रहा है तो अपने को मालूम है, एक तो सिग्नलिंग इधर से हो रहा है कि बॉडी ग्रो कर रहा है, सही है ना। हर मंथ पे एक एक चीज डेवलप होते जा रही है, तुमको मालूम है हार्ट वगैरह फोर्थ मंथ पे आता है, लिम्स वगैरह बनने लगते हैं, मालूम है ना। जैसा यहाँ पे टेस्टिस बन जाता है ना, टेस्टिस बनता है किधर एब्डोमन में। टेस्टिस बनने के बाद पहला चीज जो दिखता है वो है टेस्टोस्टेरॉन। फीटस में मेल बॉडी के अंदर, फीमेल पे नहीं, मेल बॉडी के अंदर, अगर ये मेल है उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन। जब ये सेवेंथ मंथ में होगा तो इसके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के साथ पहली बार रिलीज किया जाएगा ABP, क्या होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
ये पहली बार दिखता है फीटल स्टेज में, सही है। जैसा ये दोनों आते हैं मालूम पड़ जाता है कि अभी यहाँ पे टेस्टिस को गैमेटोजेनेसिस का रोल दिया गया है और इसको खींचो नीचे, सही है। जैसा टेस्टिस नीचे डिसेंड हुआ, बॉडी के बाहर आ गया, ये दोनों गायब हो जाएंगे, सही है। ये दोनों गायब हो जाएंगे और दिखेंगे सीधा प्यूबर्टी में, सीधा प्यूबर्टी में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये किधर दिख रहे तुमको? सेवेंथ मंथ। किधर दिख रहे? सेवेंथ मंथ, सही है ना, सही है ना। सोचो सोचो, अभी ये तो स्टैंडर्ड देखा, सेवेंथ मंथ में है, टेस्टिस आया, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और एबीपी रिलीज हुआ, और जैसा ये दोनों मिले इसको नीचे डिसेंड किया गया और ये बाहर आ गया बॉडी के बाहर, सही है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बन गया, सही है। सपोज कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा मेल जो फीटल स्टेज में इतना लकी है कि सातवें महीने में टेस्टिस तो बना पर टेस्टोस्टेरोन और एबीपी आया ही नहीं, सही है ना, तो उसका टेस्टिस, उसका स्क्रोटम बाहर आया क्या? नहीं आया, सही है ना, बाहर नहीं आएगा। तो अभी तो गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट बनेगा, सही है, बट अंदर तो एक प्रॉब्लम है, स्पर्म ढंग के नहीं होंगे, सही है ना, और उसका जगह ही नहीं है वो, तो जब कभी सोनोग्राफी निकाला तो क्या कंडीशन आएगा? अंदर स्क्रोटम कितना गंदा दिखेगा ये चीज, सही है ना। तो कैसे भी करके, कैसे भी करके वो पर्सन को लिविंग रखना है, वो पर्सन को फर्टाइल बनाना, स्टेराइल नहीं, सही है ना। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है, उस कंडीशन का नाम दिया गया है क्रिप्टोर किडिज्म। क्या नाम है इसका? अरे क्राइटो नहीं भाई, सॉरी 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 सॉरी, क्राइटो क्राइटो क्राइटोर किडिज्म, सही है। क्राइटोर किडिज्म का मतलब क्या? कि टेस्टिस ना डिसेंट होने में फेल हो जाता है, सही है, डिसेंट नहीं होता, वो एब्डोमिनली रह गया, बाहर आने पर भी एब्डोमिनल हो गया, सही है। बट इधर 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 बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक केस देखा था ऐसा, मैं जेजे में था, एक केस था, डॉक्टर इतना चिल्लो के आंसर दे रहा था ना, मैं खुद उसको डॉक्टर को देख रहा, भाई क्या हो रहा है, टेस्टिस बाहर नहीं आया उसका, सही है, वो तो नहीं, उसके माँ बाप नहीं, मैं पैनिक हो रहा हूँ उसके चक्कर में करके, ठीक है। पेरेंट आ, वो पेशेंट था, उसके माँ बाप थे, बोल रहे थे बच्चे का स्क्रॉटम बाहर नहीं है, ठीक है। अब स्क्रॉटम बाहर नहीं है मतलब डॉक्टर समझ गया क्रिप्टोर्किडिज्म का प्रॉब्लम है, क्राइटोर्किडिज्म का प्रॉब्लम है, सही है। तो अभी प्रॉब्लम की तरह बाहर नहीं आया, डॉक्टर उसको बोला एक काम करो, छः महीना रुको, छः महीने तक देखो, टेस्टिस अपने आप नीचे आएगा, सही है। छः महीने तक वेट करते हैं, अगर छः महीने के बाद अगर ये टेस्टिस बाहर नहीं आया तो अपन क्या करेंगे? सर्जिकली इसको बाहर निकालेंगे, सर्जरी करेंगे, टेस्टिस को बाहर निकाल लेंगे, समझा ये चीज, समझा। तो पैनिक कंडीशन नहीं होता, जनरली बहुत सारे ऐसे फीटल स्टेज मिलते हैं जिसमें तुरंत बाहर नहीं आता, दो तीन महीने लगते हैं, छः महीने लगते हैं बाहर आने के लिए, फिर भी अगर बाहर नहीं आया तो ये सर्जिकली उस टेस्टिस को बाहर डिसेंड कराते हैं, सर्जरी का नाम होता है ऑर्किडोपेक्सी। क्या नाम है? ऑर्किडोपेक्सी। क्या हुआ? समझा नहीं, ऑर्किडो ऑर्किड मतलब ऑर्किड, पेक्सी मतलब जिधर भी तुमको दिखेगा ना, ये ईएक्स वाई सर्जरी, सही है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? क्या बोल रहा है, समझा? ये क्राइटोर की डिसीज मतलब क्या? मतलब क्या, कौन सा डिजीज? टेस्टिस डिसेंड नहीं हो रहा, सही है ना। व्हेन द टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड एट द सेवेंथ मंथ ऑफ फीटल स्टेज, व्हेन द टेस्टिस, व्हेन द टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, डिसेंड डी एस सी ई एन डी, डी एस सी ए एन डी, सी ई एन डी लिख देता भाई, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर बराबर, डिसेंड्स व्हेन द टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड एट द सेवेंथ मंथ
इन फीटल स्टेज इट इज नोन एज क्राइटॉर्किज्म क्राइटॉर्किडिज्म रुको भाई ये डिजीज दो मिनट क्रिप्टोर है शायद क्रिप्टोम इसको बोलते हैं गूगल करने दे रहा हूँ क्रिप्ट है 99% तो क्रिप्ट होना चाहिए क्रिप्टोर बोला ना क्रिप्टोर प्रोनाउंस सही किया था मैं क्रिप्टोर्किडिज्म सही है और दूसरा ये सर्जिकली जब रिमूव करते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस टू ब्रिंग इट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन क्रिप्टोर्किडिज्म पेशेंट्स समझा ये क्रिप्टोर्किडिज्म समझा समझा कि नहीं अगर टेस्टिस एब्डोमिनल ही रह गए तो थोड़ा वेट करते हैं वेट करने के बाद भी अगर डिसेंट नहीं हुआ तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म सही है सर्जिकली उस टेस्टिस को नीचे लेके आए तो उसको बोलेंगे ऑर्किडोपेक्सी सही है मैंने तुमको और एक चीज पढ़ाया था मैंने बताया ना कुछ रिलीजन्स में प्रेप्यूस को कट कर देते हैं इधर से सही है ना प्रेप्यूस को कट कर देते हैं सही है ना ये तो ये कुछ रिलीजन्स में होता है कुछ बार ये एक्चुअल पेशेंट्स में डिसऑर्डर रहता है कि प्रेप्यूस ना फोरस्किन यहाँ पे फोरस्किन ना ग्लैंड्स पेनिस से चिपका हुआ है तो ये रिमूव नहीं होता सही है ना मूवेबल नहीं होता तो क्या करते हैं इसको इसको सर्जिकली कट कर देते हैं क्लियर हुआ इतने से पार्ट को सर्जिकली कट कर देते हैं प्रेप्यूस को ग्लैंड्स पेनिस नहीं प्रेप्यूस को रिमूव करते हैं पर तुम बोले सर ग्लैंड्स पेनिस रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स पेनिस एंड प्रेप्यूस सिर्फ प्रेप्यूस इतने रीजन का प्रेप्यूस उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रेटिनिज्म क्या बोला था मैं क्रेटिनिज्म बोल रहा हूँ सर्कमसीजन भूल जा रहे क्रेटिनिज्म डिजीज है क्रेटिनिज्म डिजीज सर्कमसीजन भूल गया मैं चलो इधर और एक और एक और एक और एक और एक बोलो भाई भाई तू ना तेरा ये चीज देख के ना मैंने एक थ्योरी पढ़ा था मैंने अरे इधर सच में मैंने एक थ्योरी पढ़ा था जब पहला थ्योरी था ना तब जेनेटिक मटेरियल का आइडिया नहीं था इनको इधर तब जेनेटिक मटेरियल का आइडिया नहीं था एक साइंटिस्ट था जस्ट एरिस्टोटल के बाद वाला केस है ये वो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर एक मेल रिप्रोड्यूस करता है ना मेल फीमेल रिप्रोड्यूस करता है ना तो गैमेट्स के लिए एक सेपरेट जगह नहीं है अपनी बॉडी में एक सेल होता है जो गैमेट बनने के पहले पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है सही है ना पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है वो पैर में जाता है सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अच्छा अंगूठा ऐसा है सब उंगलियां ऐसी है और तुमको ऐसा हड्डी बनाने का है पूरी बॉडी में घूम रहा है ये हाथ में गया इधर से गया ब्रेन में गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड में पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो बोलता है अब मैं गैमेट बनूंगा ठीक है अब बनता है गैमेट बनता है ये तो मेल का स्टोरी हुआ सेम चीज फीमेल भी होगा सही है ना अब जब ये दोनों मेट करेंगे तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा मेल का इंफॉर्मेशन फीमेल का इंफॉर्मेशन अब क्या आएगा अब यहाँ पे डोमिनेंस एंड रिसेसिव फैक्टर आएगा पढ़ा है ना ये चीज डोमिनेंस एंड रिसेसिव सही है ना तो ये फैक्टर आएगा बट अगर सपोज कि वो मेल लंगड़ा है तो अरे नहीं मेल अगर लंगड़ा है इधर इधर केस पड़ेगा मेल अगर लंगड़ा है उसके पास राइट लेग नहीं है तो बच्चे को तो राइट लेग का इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला सही ना मेल को वो राइट लेग का इंफॉर्मेशन ही नहीं आया तो एक काम करेगा वो सेल डिसाइड करेगा
मेरे पास लेफ्ट लेग है, अपन एज इट इज लेफ्ट लेग को बना देते हैं, ऐसा होता है क्या? सपोज दोनों लेग सेम है, इसको भी अंगूठा इस तरफ, इसको भी अंगूठा इस तरफ, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? सपोज वो मेल अंदर, सही है, या फिर अपन एक ऐसा इधर, या फिर अपन एक ऐसा केस पढ़ते हैं जहां पे मेल अंदर और फीमेल बहरी है, तो क्या बच्चा बहरा होगा? बच्चा अंधा बहरा दोनों होगा? समझा ये चीज? समझा मेल गैमेट फीमेल गैमेट तुम्हारे बॉडी में क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर नहीं आता, वो सिंपल तरीके से जर्म सेल से बनता, क्लियर हुआ? उसके पास अपना जेनेटिक कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझा? अगर मैं तुम्हारा हाथ काट दूं तो बच्चे के पास भी हाथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, सही है ना? ये चीज उन्होंने, ये चीज ना इन्होंने माइस के ऊपर ट्राई किया, माइस का ना पूछ काट दिया और उसको मेट कराया, ठीक है, ऐसी फीमेल के साथ जिसका पूछ काट कर दिया, अब दोनों के पास पूछ नहीं है, सही है, बट बच्चे के पास बराबर पूछ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल का मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो चीज जेनेटिक नहीं है, वो हेरिडिटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर डीएनए में डिसऑर्डर है कुछ, सही है ना, जेनेटिक कंटेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो वो पास ऑन होने वाला है, जैसे अपन ने देखा थैलेसीमिया, सही है ना, जैसे अपन ने देखा था थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में कैसा होता है, अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चा मेजर होगा, बट अगर एक नॉर्मल है एक थैलेसीमिया माइनर है तो उन दोनों का बच्चा माइनर होने वाला है, 50% चांस, 50% नॉर्मल 50% माइनर वाला, सही है। इसमें पूरा गेम जेनेटिक्स का है, सही है, तुम्हारा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट है, दो दांत नहीं है, सही है ना सर, पूरा गेम जेनेटिक्स का है, समझा ये पक्का कि नहीं? अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई अगर मेल और फीमेल मेट कर रहे हैं और एक बच्चा पैदा हो रहा है, बट मेल और फीमेल दोनों आधे दिमाग से पागल है, तो बच्चा भी दिमाग से पागल हो गया? नहीं, ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पे होता है, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर पे होता है, सही है। अगर तुम बोलोगे सर मेरे मम्मी पापा दोनों साइंटिस्ट हैं, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, ये तो गेम होएगा भाई, तुम्हारे साथ बहुत खराब होने वाला है जिंदगी में फिर, समझा? ये मेरे मम्मी पापा दोनों क्रिकेटर है बट मेरे को तो क्रिकेट नहीं खेलने का, मेरे की खून में क्रिकेट है, ऐसा नहीं होता, सही है, सब स्किल्स तुमको लेके आना पड़ता है, समझा ये चीज पक्का? ये इधर तक क्लियर हुआ? करूँ अब अभी, इसके बाद शायद अपन ने टेस्टिस को ओपन किया था, टेस्टिस को ओपन, एक और चीज आता है इसमें, एक टर्म आएगा तुमको, एक टर्म आएगा, मैंने तुमको बोला था कि बुल होता है ना बुल, इसमें हम टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, सही ना, टेस्टिस क्रश हो जाता है ताकि टेस्टोस्टेरोन तो बनता रहे, टेस्टोस्टेरोन बनता रहे बट एग्रेशन कम हो जाए, उतना नहीं जितना बनना चाहिए, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं, और की डेक्टोमी, और की डेक्टोमी, डेक्टोमी जिधर भी आया ना, एक्टोमी, एक्टोमी वगैरह पढ़ा ना, एक्टोमी उधर कुछ कट करने का या कुछ तोड़ देने का या कुछ फोड़ देने का, सही ना, वैसेक्टोमी, हाँ नहीं, मेल से भी करते हैं, डॉग्स में भी करते हैं, डॉग्स में भी करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, वो आगे बच्चे पैदा ना करें इसके लिए इनके टेस्टिस क्रश कर देते, खत्म, सही है, जनरेशन आई का फैक्ट्री तोड़ दिया, सिग्मा मेल नहीं रहे, क्या बोल रहे हो? इधर भी एक्टोमी पढ़ा ला, एक्टोमी, एक्टोमी मतलब या कुछ कट करूंगा या कुछ क्रश करूंगा या सर्जिकली रिमूव करूंगा, जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पढ़ा था ना, पढ़ा है ना, टॉमी नहीं बे क्या? टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम तो एग्रेशन कम, टेस्टो हाँ एग्रेशन ज्यादा होता है तो मतलब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, सिग्मा मेल देखा नहीं क्या, एनिमल मूवी देखा,
कबीर सिंह, हाँ कबीर सिंह, देखा कबीर सिंह इतना एग्रेशन ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, सही है। मतलब तुम कबीर सिंह का ऑर्किडेक्टोमी करा दो तो विवाह मूवी का शाहिद कपूर बन जाएगा, सही ना। अगर कबीर सिंह का ऑर्किडेक्टोमी कर दो तो वो विवाह मूवी का शाहिद कपूर बनेगा। सही है। इधर अभी हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था, टेस्टिस ओपन किया था अपन ने, टेस्टिस का सेक्शन पढ़ा था अपन ने, ये देखा ना इधर, बना था क्या ये तना है, ये सब मेरे भरोसे बैठता है अभी। सबसे बाहर वाला लेयर बराबर बाहर भाई, एकदम छावा है ट्यूनिका वजाइनलिस, सही है। इसके अंदर ये वाला लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सही है। अंदर ये वाला सही है, मतलब अगर तुमको ऐसा डायग्राम दे दिया और पूछा बाहर से अंदर लेयर के नाम बताओ, सबसे पहले कौन, ट्यूनिका वजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर ट्यूनिका वैस्कुलरिस, सही है। पढ़ने का एक ईजी तरीका देखने का, मैंने मेरे टाइम पे निकाला था ये चीज, तुम लोगों ने आईसीएसई का बच्चा देखा, आईसीएसई का बच्चा देखा कभी, उसके चैट किया क्या उनके साथ, नहीं किया, किया ना उनको, उनको कभी कुछ बोला ना, वो लोग वाव कैसे बोलते हैं, ठीक है कभी ऐसा, ठीक है ना। सीबीएसई के बच्चे के साथ किया, किया सीबीएसई के बच्चे के साथ कभी चैट किया, लड़की के साथ चैट किया, लड़के वाव जल्दी नहीं बोलते, लड़के ऐसे बोलता है अच्छा ठीक है, सही ना, लड़के लोग का ऐसे रहता है। देखा कभी सीबीएसई लड़की के साथ चैट किया, उनका वाव ऐसा रहता है, वरना को लड़की के साथ चैट किया म्युनिसिपैलिटी मीडियम भाई वही अपने रेंज में, सही ना। आईसीएसई अपने लिए लैम्बोर्गिनी है, सीबीएसई अपने लिए फॉर्च्यूनर, नैनो पटेगी अपने से, देखा अभी ठीक है, ऐसा नहीं भाई वरना इंसल्ट नहीं करेगा, बट जो सच्चा है वो सच्चा है, इंसल्ट नहीं करेगा ठीक है, बट जो सच्चा है वो सच्चा है, देखा अभी देखा, वरना कुल लड़की के साथ कभी चैट करो वो वाव नहीं बोलेगी, इंग्लिश खराब होता है इनका, इंग्लिश बहुत खराब होता है इनका, है ना, है ना, सही ना। ये काफी है याद रखने के लिए, ये काफी है याद रखने के लिए, वजाइनलिस एल्ब्यूजिनिया वास्कुलरिस, सही ना, सही ना। मेरे को ये याद नहीं रहता था, मेरे को याद नहीं रहता था, फिर अपन वर्नाकुलर मीडियम की लड़की के साथ चैट किया, पक्का हो गया एकदम पक्का, सही ना, सही ना। वजाइनलिस एल्ब्यूजिनिया वास्कुलर ट्यूनिका, तो तीनों में सेम है, सही ना। तुमको अगर एमसीक्यू में आया तो ट्यूनिका तो लिख के देगा सामने से, ट्यूनिका थोड़ी पढ़ने का, उनको
सही ना, ट्यूनिका बाहर से अंदर आता तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। इनकम्प्लीट कौन, इनकम्प्लीट कौन, तू ये कैसे बता रहे, तू इशारा तो इधर कर रहा था, है ना, ट्यूनिका वेजाइनलिस इनकम्प्लीट है। सही है, सही है। अब मेरे को मालूम है कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सही है ना, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है ना, सही है ना। अपन ने कल पढ़ा था कि ऐसे कितने लोब्यूल्स बनते हैं एक टेस्टिस में, 200 से 250 लोब्यूल्स बनते हैं। सही है ना, कौन स्प्लिट करता है इनको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सही है, सबसे बाहर कौन, ट्यूनिका वेजाइनल, अंदर कौन, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूरे अंदर को 250 कंपार्टमेंट्स में स्प्लिट कर देता है, समझा। ये हर कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे हम, कंपार्टमेंट क्या बोलेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलेगा, अगर मैं ये बताऊं ये ऐसा, तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ट्यूनिका वैस्कुलरिस उसके अंदर का टिश्यू है, समझा। ये समझा, ये टिश्यू कंटिन्यू जाने वाला पूरे में, इधर 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 देखो, ये टिश्यू खत्म नहीं हो रहा, इसमें से बाहर भी आ रहा है, तो इधर इधर जो टिश्यू भरा पड़ा है ना, वो सिर्फ ट्यूनिका वैस्कुलरिस, वो रीजन है। रेटेटस्टिस तो रीजन को बोलेंगे, उसका अंदर का जो टिश्यू है ना, वो सारा ट्यूबुला, ट्यूनिका वैस्कुलरिस है। क्लियर हुआ, टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर ट्यूनिका वैस्कुलरिस। सही है, सही है। और इधर कौन आ रहा वापस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है, मतलब एक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल्स मिलेंगे, हर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर हुआ श्रेया, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, इजी है ये चीज, है ना। यहां पे क्लियर हुआ ये। अब यहां से कौन आ रहा है बाहर, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये वाला, ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या आएगा, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। सही है ना, इसका नाम क्या है, ट्यूब्यूलाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, और ये एक रीजन बन रहा है। सही है ना, ये सब एक जगह पे कलेक्ट हो रहे हैं, उस रीजन में थ्री डायमेंशनल में ट्यूब्स दिखेंगे ऐसा। सही है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेटेटेस्टिस। सही है, मतलब लोब्यूल में से ट्यूब निकला, उसका नाम ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। बहुत सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई कनेक्ट हुए एक जगह पे, उसको बोलेंगे रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से फिर ट्यूब्स अलग हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे वासा इफरेंशिया। सही है, अब यहां पे क्या होगा, ये अलग हुआ वापस, तो यहां पे पूरा ऐसा, ये पूरा ऐसा ऊपर जाने वाला है इसमें। सही है, समझा ये कि नहीं, ये सब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये सब कैसा है, हाईली कॉइल्ड है, आगे ना और कॉइलिंग बढ़ने वाला है। यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले बड़ा रेडियस रख रहे हैं, पहले बड़ा रेडियस रखा इतना, अब इसको और थोड़ा स्प्लिट करेंगे छोटा। सही ना, जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे सुपर कॉइल्ड रीजन है ऐसा, ये कॉइल्ड नहीं है। सही है ना, इसमें से डायरेक्ट कॉइलिंग शुरू नहीं कर सकते, पहले तुमको सेपरेट करना पड़ेगा। सही, तुमने लड़की का बाल बनते हुए देखा कभी, छोटी बनते देखा, छोटी बनते देखा, तुम पहले जो रीजन आता है, बाल आता है, वो पहले बड़े रीजन से आता है, फिर तुम क्या करते हो, उनको सेपरेट आउट करते हो, सेपरेट करने के बाद तुम उनको घुमाना शुरू करते हो।
सही है ना, अगर मैं यहां से शुरू करता तो ये रीजन ना, बीच में एक रीजन नहीं मिलता जहां पर फंक्शनल मैच्योरेशन चल रहा है। सही है, फंक्शनल मैच्योरेशन का शुरुआत इधर से ही हो रहा है। अगर कोई स्पर्म है वो इमैच्योर है या फंक्शनली मैच्योर नहीं है तो इधर ही खाना शुरू कर दो उसको। समझा, कल बताया था ये चीज, समझा ये पक्का कि नहीं? मतलब पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा, सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, सही है। अब ये पूरा क्या बन गया, इतना पूरा क्या है, ये रेगुलेटेड टेस्टिस। सब पूरे पूरे टेस्टिस में सब जगह से ट्यूब्स एक जगह कलेक्ट हो रहा है, सही है, और उस रीजन क्या बोलेंगे, सब रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से फिर से सब सेपरेट हो रहा है। अब ये आगे जाएगा इधर, अब यहां पे क्या होगा, ये पूरा ऐसा ऊपर जाएगा, समझा, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब ये आगे जाने के बाद ये ऐसा खुल जाए, फिर ये स्प्लिट होता जाएगा, समझा, फिर एक चोटी ऐसा सबको एक जगह जमा करके इधर बंद कर रहा है, सही है, और इधर से वो और थोड़ा पतला हो गया। अब ये पूरा एक साथ कनेक्ट हो रहा है, समझा, ये बहुत सारे अलग अलग रीजन्स रख रहे हैं, फिर एंड पे जाके एक कर रहे हैं उसको, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी यहां पे सबसे पहले कौन, इधर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, फिर टिब्यूलाई रेक्टाई, फिर कौन, रेटेड टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन क्या है, वास, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, सही है, ये वासा इफरेंशिया इधर आ गया, तो ये एपिडिडाइमिस और ये वापस वास डिफरेंस, इधर से वापस दूर जाएंगे तो एम्प्यूला, एम्प्यूला से फिर इजैक्युलेटरी डक, फिर यूरिनोजेनिटल डक, फिर यूरिनोजेनिटल ओरिफाइस, आया, आया, समझा ये चीज। अभी ना, अभी ये रब करता हूं मैं, अब नीट का एक क्वेश्चन करते हैं। अरे रुको यार, मत यार, प्लीज, बहुत हो जाता है रे, पहली बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन इतना सर दर्द कर रहा है। चलो इधर इधर इधर, अगर मैं तुमको एपिडिडामिस बताऊं, ये दिख रहा है एपिडिडामिस, यहां से ये क्या है, सपोज ये टेस्टिस का पार्ट आता है, ठीक है। अब मेरे को मालूम है ये पूरा इतना पार्ट एक्चुअल में टेस्टिस का ही है, हम जो गोल बनाते ना, सही है ना, ये टेस्टिस का पार्ट है, ये एपिडिडामिस है, और ये नीचे क्या जा रहा है, वास डिफरेंस, सही है, एपिडिडामिस पूरा इधर तक एपिडिडामिस, सही है। एपिडिडामिस को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, सही है ना, तीन पार्ट में तोड़ा गया है। ऊपर जो पफ बन रहा है लड़की का, एक पफ दिखा सब मस्त ऐसा, सही ना, इसको बोलते हैं कैप्यूट, क्या बोलते इसको, कैप्यूट, क्या बोलते इसको, कैप्यूट, फंक्शन नहीं पढ़ने का तुमको, बस पढ़ने का नाम पढ़ेगा, इसको क्या बोलते हम, कैप्यूट, सही है। इसको बोलते हैं कॉर्प्स, क्या बोलते हैं, कॉर्प्स, क्या बोलते हैं, कॉर्प्स, क्या हुआ, हाँ, मरा हुआ नहीं, कॉर्प्स, इसको बोलते हैं कॉर्प्स, और थोड़ा स्पेसिफिक बोलो तो कॉर्पस, सही है, ये चलेगा चलेगा चलेगा। इधर ना, इधर इधर का रीजन तुमको दिख रहा है, घोड़े का पूंछ जैसा रहता है ये, ऐसे इतना स्ट्रेट नहीं चलता, ऐसा चलता है, सही ना, और स्टेल ये जो घोड़े का पूंछ होता है ना, इसको हम बायो में बोलते हैं कोडा, कोडा, क्या बोलते हैं इसको, कोडा। तो कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा, कैप्यूट, कॉर्पस, कोडा, सही है ना, सही ना। यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो टेल ऑफ एपिडिडामिस इज नोन एज स्टैश, कॉर्पस, कोडा, कैप्यूट और वास डिफरेंस। मेजोरिटी लोगों ने वास डिफरेंस, टेल में तो वास डिफरेंस, जीत गया अपन चार वक्त, इज्जत और झंडा लहराते हुए घर जाते टाइम, सही है ना।
टेल ऑफ एपिडिडामिस इज नोन एज डैश. अभी तक अपन ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, कल का ही चल रहा है अभी तक. तो 4:30 हो गया है, कुछ नया पढ़े बिना. कॉर्डर टेल कॉर्ड एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मुझे आंसर बताओ ना. तनय काला है तो कुछ भी बोलेगा क्या? सर टॉमी निकाल दिया. सर गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे. सही ना? क्या सैक्री नहीं है रे, स्कैरी है. पढ़ते सही सैक्रिफिकेशन. मेरा मैसेज को बहुत सीरियसली लिया. 5 years ऑफ सैक्रिफाइस बहुत सीरियस ले लिया वो सैक्रिफिकेशन. हाँ इधर एक ओम क्या बोलता है, ऑर्किडोपेक्सी क्या बोलता है? सर्जिकली नीचे लेके आना. सही है. कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन दूसरा नाम है ऑर्की, दूसरा नाम है. स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं. तुमका एमसीक्यू में आया था स्कैरिफिकेशन, प्लांट्स के एमसीक्यू में आया था. स्कैरिफिकेशन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं. एनिमल्स में सैक्रिफिकेशन होता है, हम सैक्रिफाइस करते हैं. ओ भाई तनय तो पहला बोल रहा था. तनय को पहला कैसे नहीं मालूम? नहीं पीछे टैक्सी तो पढ़. हाँ भाई हाँ. करूँ अब अभी ये कैस्ट्रेशन. अच्छा अभी टेस्टिस का डायमेंशन भी पढ़ लेते ना, इधर ही पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन पढ़ लेते हैं. टेस्टिस इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है ऐसा इधर 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 से लेके इधर तक 4 से 5 सेंटीमीटर, इधर से लेके इधर तक 2 से 3 सेंटीमीटर. सही है. 4 से 5, 2 से 3 और वजन चेक करोगे तो 14 ग्राम बस. सही ना? सर ये 14 ग्राम अगर डिस्टर्बेंस आ गया ना तो खत्म. सही ना? तुमको मालूम है क्रिकेट खेलते थे ना स्टार्टिंग में, जब क्रिकेट चालू किया ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये लोगों ने ना हेलमेट बाद में पहनना शुरू किया, पहले सपोर्टर पहनना शुरू किया. मतलब इनके हिसाब से, इनके हिसाब से टेस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेन. सही ना? सही में मजाक नहीं कर रहा. नहीं देखा इंटरनेशनल क्रिकेट? नहीं देखा पहले का? ये लोग हेलमेट बहुत बाद में पहनना चालू किया, सपोर्टर पहले पहनते थे. मतलब टेस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेन. ब्रेन टूटेगा चलेगा, टेस्टिस नहीं टूटने से. है ना यश? एक एक चीज याद रखने का, इसको ना स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस बोलते हैं. प्रॉब्लम है
ये जनरली तुमको सिचुएशन देते हैं एग्जाम में, इधर इधर जनरली ना, जनरली अगर तुमने डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बट इजैकुलेशन नहीं दिया, इधर टेस्टिस का स्वेलिंग बोलते हैं हम इसको। जब तुम एक्चुअल बहुत ज्यादा डिजायर पे हो, तुमको तुम्हारा ब्रेन ऐसा है कि अपन इरेक्टाइल कंडीशन पे है, अपन को इजैकुलेशन देना है बट तुम इजैकुलेट नहीं किया है, इधर स्पर्म बाहर नहीं निकला है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा रीजन इधर से लेके एम्प्यूला ब्लॉक, उधर से लेके प्रोस्टेट तक ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। सही है, उधर तीनों ग्लैंड्स तैयार बैठे हैं, हम सेक्रीशन रिलीज कर रहे हैं, ग्लैंड सेक्रीट करे जा रहे हैं बट तुम्हारे बॉडी से सीमेन बाहर नहीं निकला है, तो क्या हो जाएगा, उस जगह को बंद कर देगा, क्या करेगा, बंद कर देगा, प्रोस्टेट के इधर रीजन पूरा ब्लॉक हो जाएगा, इधर से फेंक रहे हैं स्पर्म्स को आगे, इधर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, उधर आगे जाने नहीं दे रहा, सेम कंडीशन होएगा जो हमने प्रोस्टेट वाले में यूरिनरी ब्लैडर का देखा था। सही है, तो ये पूरा क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, स्क्रॉटम क्या हो जाएगा, पूरा स्वेल हो जाएगा, स्क्रॉटम स्वेल होगा ना, तो ये पेन इतना एक्सट्रीम जाएगा ना कि तुम ना बैठ पाते हो, क्यों, क्योंकि कीगल मसल सपोर्टिंग पे है, तुम बैठते हो ना तो तुम्हारा स्पर्म क्रैम्प आता है, तो तुम अगर तुम बैठने की कोशिश करोगे तो तुमको क्रेमास्टर बैठने नहीं देगा। सही है, तुम ऊपर खींचने की कोशिश करोगे, क्रेमास्टर ऊपर नहीं खींचेगा, क्रेमास्टर मूवमेंट के बाहर ब्लॉक करके रखा पूरा, समझे ये चीज, उसको भी टाइम जाएगा, तीन इधर ये कंडीशन तुमको 2-3 घंटे तक रहेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। सही है, ये जनरल ये प्रॉब्लम है, मेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अगर कोई फीमेल तुमको बताता है कि मेंस्ट्रुअल पेन बहुत एक्सट्रीम पे आता है, तुम समझ नहीं सकते, तो स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस 10 स्टेप आगे जाता है। सही ना, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस 10 स्टेप आगे जाता है, क्या हुआ, ये हर चीज में चलता ट्रेन में चढ़ जाते रे कभी भी, भाई HIV में बहुत पेन होता है, अभी बोल अभी बोल भाई HIV बहुत पेन होता है, अभी तू बोल, हाँ बहुत पेन होता है मेरे को मालूम है। समझा, ये इधर तक हार्ड के नहीं है, 4-5 ऐसा लेंथ में। सही है, 2-3 ब्रेक आएगा और वेट 14 ग्राम्स है, वो सेप्टम की मैसेज आता है, तुम देखोगे दोनों टेस्टिस भी सेम लेवल पे नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। सही ना, एक ऊपर है एक नीचे है, जनरली बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं इनको लेके, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, रिसेंट अभी तुमने देखा वो कितना कौन सा स्कूल का बच्चा क्रिकेट खेलते टाइम बॉल लगा उसको टेस्टिस का सेप्टम टूट गया, सेप्टा टूट गया, बंदा मर गया एक्सट्रीम पेन की वजह से। हाँ सुधांशु बच गया था, क्वेश्चन शुरू कब है, MCQ लिखोगे अभी, एक MCQ लिखो फटाफट, वास डिफरेंस फटाफट लिखो, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एस डैश, पहला ऑप्शन यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, सेकेंड इजैक्युलेटरी डक्ट, थर्ड यूरेटर, यूरेटर
एंड फोर्थ एपिडिडाइमिस। ऑप्शन बहुत इजी है उसका। क्वेश्चन वापस पढ़ो। वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड एंटर्स इनटू यूरेथ्रा। पहला ऑप्शन क्या है? यूरेथ्रल मीटर्स तो बहुत नीचे है। ठीक है, सेकंड इजैक्यूलेटरी डक्ट एम्पुला के बाद में आता है, उसके पहले कोई डक्ट नहीं है, मतलब वास डिफरेंस सीधा कनेक्ट करता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। सही है ना? तो इसका आंसर क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर हुआ? तुमको सीधा सीधा सीक्वेंस ही मांग रहे हैं लोग, सही है ना? इसके बाद कौन आएगा बताओ, सही है ना? कोई तो हुआ ना ये चीज। और एक दू क्या? क्या हुआ? इस पे भी रखते हैं डस्ट? नहीं, पहले पहला चैप्टर खत्म करते हैं। ये तो चलेगा ना? या अगर तुम कॉपी नहीं करो तो मैं तुम्हारा बायो का डेली एक एमसीक्यू टेस्ट रखता हूं घर पे। अगर कॉपी नहीं करो तो इज्जत से पेपर दोगे तो, पर मेरे को इतना भरोसा नहीं है। 30 मार्क्स डेली, 30 मार्क्स सुबह तुम्हारे टाइम पे। सही है, चाहे तो रात को 12 बजे का रखता हूँ मैं, तुम्हारा चॉइस। मेरे को तो बना के अपलोड ही करने का, मैं सुबह 7 बजे का कर दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं इधर। बट एक कंडीशन आया नहीं आया इज्जत से देने का, पर तुम दोगे नहीं ना। आंसर सर डी तो मालूम पड़ेगा आपको, आंसर है डी। आंसर एक क्यों नहीं? हेवर्शनल कैनाल्स होते हैं बोन्स में। किधर होता है? बोन्स में। तुम लोगों ने याद है ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था न्यूरॉन ने, उसके अंदर और एक था, सही ना? ऐसा एक सेल देखा था ना, ऐसा एक सेल था, इधर एक सेल है। एनिमल टिश्यू में याद है, इसके अंदर और एक ऐसा सेल आ रहा था, मतलब ये पूरा एक सिस्टम है टिश्यू का जिसके बीच में एक कैनाल बैठता है। ये एक सिस्टम सबके बीच में से कैनाल निकलता है, इस कैनाल को हम बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल, जो ऑस्टियोसाइट्स में होता है, बोन्स में, बोन्स के लेयर्स में। पढ़ा था याद है क्या? एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा हमने, एनिमल टिश्यू में पढ़ा था, हमने टिश्यू में पढ़ लिया था इसको, बोन मैरो के अंदर टिश्यू था, पढ़ा था ये चीज। हेवर्शियन कैनाल ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होता, बोन्स में होता है। स्पर्मेटिक कैनाल, ये तो कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये कॉर्ड है, लिटिल टेस्टिस बाहर है भाई, सही है? क्लियर हुआ। चलो और एक,
चलो इसका आंसर बी, बहुत इजी था, लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक और चीज पढ़ते हैं ना, जो ना टेक्स्ट बुक में दिया है ना ऑथर के बुक में दिया है, बट इस साल के एमसीक्यू में दिख गया नीट में। सही है, दो चीज है, एक है एएमएफ और एक है WF। सही ना, AMF एंड WF। सही है, एक का नाम है एंटी मुलेरियन फैक्टर, क्या नाम है एंटी मुलेरियन फैक्टर, या पहले सिर्फ मुलेरियन फैक्टर बनते, क्या है इसका मुलेरियन फैक्टर, MULERIAN फैक्टर, और दूसरा है वोल्फियन, इसका कोई लेना देना नहीं है वुल्फ के साथ, सिर्फ नाम का वोल्फियन फैक्टर है। ठीक है, अभी तुमने कभी टीवी में देखा ऐसा न्यूज कि एक अचानक से एक कंट्री है, एक कंट्री में एक मेल है, एक मेल की बॉडी में अंडर डेवलप्ड यूट्रस दिख रहा है, सुना न्यूज? अगर तुम टीवी देखते रहो तुमको सब कुछ मिलेगा, इंस्टा पे नहीं, इंस्टा ऊपर से आता है, इंस्टा पे तुम डाल दो ना नरेंद्र मोदी का 18 साल का एज है तो वो भी फैला डालेंगे, कुछ भी फेंकते उधर कुछ भी। सही है ना, है ना, ऐसा लिख देना कि राहुल गांधी अगला पीएम, तो लोग मानने भी लग जाएंगे इंस्टा पे देख के। ठीक है, केस पड़ा ऐसा न्यूज़ पे देखा कि एक एक पर्सन है, एक पर्सन है उसके बॉडी में अंडर डेवलप, उसका एब्डोमेन का जब पूरा ये क्या बोलते हैं उसको पूरा चेकअप कराया गया, सही ना, या फिर सोनोग्राफी कराया, तो मालूम पड़ा कि उसके बॉडी के अंदर उसके एब्डोमेन में अंडर डेवलप फीटस है, अंडर डेवलप यूट्रस है। यूट्रस किधर होता है? फीमेल में, मेल की बॉडी में कहाँ से आवे, ये क्या गड़बड़ है? सही ना, सुना कभी ऐसा, सुना है? या कोई फीमेल उसकी बॉडी में अंडर डेवलप टेस्टिस आ रहे हैं, अंडर डेवलप एपिडिडामिस आया, या कोई फीमेल या मेल जिसके बॉडी में अंडर डेवलप फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा? याद रखने का, जेनेटिक्स जेनेटिक्स कुछ नहीं होता भाई, उधर जेनेटिक्स उधर डिजीज है, बॉडी में गड़बड़ी चल रहा है। सही ना, एक होता है मुलेरियन फैक्टर, क्या ये मुलेरियन फैक्टर क्लियर हुआ, मुलेरियन फैक्टर, एक होता है वोल्फियन फैक्टर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मुलेरियन फैक्टर, मुलेरियन फैक्टर प्रेजेंट होता है, मुलेरियन फैक्टर अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, ये बनाता है फैलोपियन ट्यूब, क्या बनाता है ये फैलोपियन ट्यूब, और कुछ यूटरस, सर्विक्स, वजाइना। सही है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये सब बनेगा बॉडी में, ये प्रेजेंट है। सही है, अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, तो क्या बनेगा इधर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सही है, एम्प्यूला, सही है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सही है, इनमें कई बार टेस्टिस भी दिख जाएगा, टेस्टिस ओवरी भी तुमको मिलते जाएंगे सामने सामने। सही है, अगर कोई मेल है, अगर कोई मेल है
मेल के बॉडी में होता है टेस्टिस, क्या होता है टेस्टिस, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, क्या करता है, अगर यहां पे टेस्टिस है तो टेस्टिस क्या रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन, सही है, क्या रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के साथ टेस्टिस और एक कंपोनेंट रिलीज करता है जो होता है एएमएफ, एबीपी पढ़ा अपन ने, एबीपी के साथ साथ एएमएफ रिलीज होता है, एएमएफ मतलब एंटी मुलेरियन फैक्टर, अगर ये मुलेरियन फैक्टर काम कर रहा है तो एंटी मुलेरियन फैक्टर उसके सामने आके उसको अपोज करेगा, समझा ये क्लियर हुआ, एंटी मुलेरियन फैक्टर को बंद करेगा ताकि मेल की बॉडी में ना फाइलोपियन ट्यूब बने, ना यूट्रस बने और ना सर्विक्स बने और ना वेजाइना बने, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बट अगर टेस्टिस में गड़बड़ी चल रही है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, एबीपी बना रहा है बट एएमएफ नहीं बना रहा, तो एएमएफ नहीं हुआ तो मुलेरिन फैक्टर एक्टिवेटेड रहेगा, मुलेरिन फैक्टर एक्टिवेटेड हो गया तो क्या होगा, बॉडी के अंदर यूट्रस बनेगा, फाइलोपियन ट्यूब बनेगा, बट ये कंप्लीट डेवलप होंगे क्या, नहीं होगा, अंडर डेवलप्ड कंडीशन पे, ये सब क्या होगा इधर इफ प्रेजेंट, यहां पे अंडर डेवलप्ड होगा, अंडर डेवलप्ड इन मेल्स, सही है ना, सही ना, ये सब क्या होगा इफ प्रेजेंट, ये सब अंडर डेवलप्ड होगा फीमेल में, बट व्हाट अबाउट फीमेल, मेल्स में अंडर डेवलप्ड है, फीमेल में टेस्टिस है क्या, टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं होगा, एएमएफ होगा नहीं होगा, तो कोई मुलेरिन फैक्टर को ब्लॉक करने वाला ही नहीं है, तो फीमेल के बॉडी में यूट्रस कौन बनाता है, मुलेरियन फैक्टर, फैलोपियन ट्यूब कौन बनाता है, मुलेरियन फैक्टर, समझा, सर्विक्स कौन बनाता है, मुलेरियन फैक्टर, समझा, मेल्स के बॉडी में मुलेरिन फैक्टर को ब्लॉक करने के लिए एएमएफ रिलीज होता है, किधर से, टेस्टिस में से, समझा ये कि नहीं, ऊपर से जा रहा है, समझा ये, इस ये तो जनरल वे में काम करता है सीधा आया, मतलब काम ही करने का, इसको ब्लॉक करने के लिए एएमएफ है, क्या हुआ, नहीं 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 नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक कौन करता है, एएमएफ ब्लॉक करता है, सही है, मुलेरिन फैक्टर क्या बनाता है, यूट्रस बनाता है, फैलोपियन ट्यूब बनाता है, सर्विक्स बनाता है, वेजाइना बनाता है, मेल्स में टेस्टिस एएमएफ बनाता है एंटी मुलेरिन फैक्टर, तो इस चीज को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो मेल्स में ये सब नहीं बनता, समझा, ये फीमेल्स में ये होता ही नहीं है, तो मुलेरिन फैक्टर पीक पे चलता है, समझा, ये पक्का, वोल्फिन फैक्टर को काम करने के लिए क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन, क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन, वोल्फिन फैक्टर क्या क्या बनाता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्प्यूला, मतलब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है सारे के सारे, सही है, टेस्टोस्टेरोन किधर होता है, मेल्स में, मेल्स में, तो मेल्स में वोल्फिन फैक्टर एक्टिवेटेड रहेगा, तो मेल्स में क्या होगा, मेल्स में कंप्लीटली डेवलप्ड, क्या डेवलप रहेगा कंप्लीटली, ये सारी चीज, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन है क्या, नहीं है, तो ये सब बनेगा क्या, तो फीमेल्स में ये सब डेवलप होगा नहीं, समझा, ये मुलेरियन फैक्टर किधर भी नहीं दिया, एंटी मुलेरियन फैक्टर किधर भी नहीं दिया, बट इस साल के क्वेश्चन में था एंटी मुलेरियन फैक्टर अपोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, सही है, तुमको दे दिया इधर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब दिया, यूट्रस दिया, सही है, सर्विक्स दिया और इधर एपिडिडाइमिस दे दिया, किसको अपोज करता है ये, एपिडिडाइमिस को, समझा, ये फीमेल ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करता है, मेल को नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मुलेरियन फैक्टर क्लियर हुआ क्या कि नहीं, समझा, या तुमको तीन ऑर्गन इसके दे देंगे, चौथा ऑल ऑफ दिस रहेगा ऑप्शन में, याद रखने का, समझा, ये एंटी मुलेरियन फैक्टर अपोजेस फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, फैलोपियन ट्यूब, एडब्ल्यूएफ नहीं है, टेस्टोस्टेरोन है ना इधर, इसको काम करने के लिए ये चाहिए,
टेस्टोस्टेरोन, बिना टेस्टोस्टेरोन के वॉल्फिन फैक्टर काम नहीं करेगा, समझा? ये एएमएफ, एएमएफ इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑर्गन? सही है, फर्स्ट ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड यूट्रस, थर्ड सर्विक्स, फोर्थ ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, सबको अपोज कर रहे ना। एंटी मुलेरिन फैक्टर किस में होता है? मेल्स में, तो मेल्स ये सब अपोज करते हैं बनने से, समझा ना चीज, क्लियर हुआ ना? कंफ्यूजन है इधर, इधर फुल कंफ्यूजन है। मुलेरियन क्या करता है? मुलेरियन फैक्टर ये सब बनाता है। अगर मेल की बॉडी में टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो एएमएफ नहीं होगा, एएमएफ नहीं होगा तो ये सब बनेगा। तो जो तुम केस दिख रहे हो ना कि एक मेल की बॉडी में सोनोग्राफी किया तो अंडर डेवलप यूट्रस दिख रहा है, उसके बॉडी में एएमएफ नहीं बन रहा, समझा? ये अगर एएमएफ नहीं बनेगा तो ये धीरे धीरे दिखने लगेंगे बॉडी में। फीमेल की बॉडी में ये सब बन रहा है, ये मेल से बनता ना, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के डोज मिलते हैं। एंड्रोजेंस पढ़ा, एंड्रोजेंस, कुछ कुछ एंड्रोजेंस ना तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, सही है? उन एड्रिनल ग्लैंड, जैसे कि तुमने देखा फीमेल्स में हेयर्स दिखते हैं, बियर्ड, हल्का हल्का बियर्ड दिखने लगता है, वो सब किधर आ रहा है? एंड्रोजेंस की वजह से। कई बार ये एंड्रोजेंस लेवल बढ़ा देते हैं तो तुमको ये चीजें भी दिखने लगती हैं, बनते कंप्लीटली बन नहीं पाते क्योंकि इतना लेवल नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक मेल में दिखेगा ना, फीमेल में नहीं दिखेगा, समझा ये चीज? तो ये सब बनना स्टार्ट होंगे बट अंडर डेवलप्ड कंडीशन में रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, पूरा लाइफ, पूरा लाइफ बनेगा ये चीज। क्योंकि अगर मैंने किसी का टेस्टिस क्रश करके निकाल दिया, एएमएफ बनेगा नहीं, एएमएफ बनेगा नहीं तो उसके बॉडी में धीरे धीरे चीजें दिखने लगेगी। क्लियर हुआ, समझा ना ये चीज पक्का कि नहीं? हाँ, ये मुलेरिन फैक्टर सुलेखा, और एक बार बताओ, फीटल स्टेज में भी दोनों में से कोई एक ही काम करेगा? प्रेजेंट दोनों नहीं, काम एक ही करेगा कोई। अगर वो फीटल स्टेज में फीमेल है ना तो मुलेरिन फैक्टर ज्यादा पावर में रहेगा, ये काम नहीं कर पाया क्योंकि इसको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अगर वो फीमेल बॉडी है तो टेस्टोस्टेरोन होगा ही नहीं, समझा? ये अगर फीमेल है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, एएमएफ नहीं है तो ये शुरू हो जाएगा, और अगर वो मेल है तो एएमएफ रिलीज होगा, ये बंद हो जाएगा और ये शुरू हो जाएगा, समझा? ये कंफ्यूजन है इधर, दुनिया भर कंफ्यूजन है। क्लियर हुआ ना ये चीज? चल अभी एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, बाद में मैं स्टॉप करता हूँ ये चीज। क्या यश, समझा ना मुलेरिन फैक्टर क्या होता है? अरे भाई वो एंटी मुलेरिन फैक्टर करता है, मुलेरिन फैक्टर ये सब बनवाता है, सही है ना? मुलेरिन फैक्टर ये सब बनवाता है, एंटी मुलेरिन इनको ब्लॉक करता है, अंडर डेवलप्ड हो जाता है। अगर एएमएफ नहीं हुआ तो मेल्स में अंडर डेवलप्ड कंडीशन में दिखेंगे। करो अब भाई, जल्दी करो, गणेश सर आ जाएगा, डर लगता है मेरे को भी। चलो एक एक लास्ट केस पढ़ते हैं, एक लास्ट केस, फिर मजा आएगा तुमको, ये केस बहुत मस्त है। जो बड़ा बड़ा पार्ट था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो खत्म हुआ अभी, सब सब खत्म हो गया, रुक जा, वो भी पढ़ेंगे अपन। वो ऐसा वाला में ज़्यादा है नहीं, दो नाम, दो ही नाम है वो तुमने पढ़ लिए, इसमें नाम ही हार्ड है। चलो
तुम्हारे पीछे कभी कुत्ता भागा क्या लाइफ में? नहीं सही में भागा क्या? मैं ना, मैं जब नायक्स में था ना, मैं बताया ना तुमको, मैं जब नायक्स में था ना तो साइकिल से आता था उधर से, तो रात को किसी ने साइकिल के साथ मस्ती किया था, मेरा साइकिल का ब्रेक खराब कर दिया था, ठीक है। और अभी अपन फुल जोश में ऐसा स्लोप से उतर के, अब स्लोप तो उतरा पर देखा नहीं कि ब्रेक नहीं उसमें, ठीक है, कैसा तैसा स्कीट मार के पूरा साइकिल ऐसा घुमा दिया रोड पे ऐसा, और जैसा रोड पे घुमा ना वैसा टायर घिसने का आवाज आता है, देखा ना? हाँ, वो टायर घिसने का आवाज से सारे कुत्ते पीछे भागना चालू कर दिए, सही है, एरिया में जितने कुत्ते थे ना पीछे भागना चालू। अभी इनका भी एरिया होता है, तुमने देखा होगा, इसका एरिया खत्म हुआ ना तो अपन को लगता है अभी रिलैक्स है भाई, अपने एरिया इधर ही तक थे, जैसा देखा इनका एरिया खत्म, उसके पीछे दूसरे एरिया वाले कुत्ते भाग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था ना वो गेम खेलने वाले, वो पास करने वाला वो भागता है, फिर वो गेम खेल रहे भाई ये मेरे साथ। मैंने उधर से शुरू किया सेंट जॉर्ज स्कूल तक ना, ऐसा रपारप आया ना, ठीक है, कौन किधर कैसा जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा रिक्शा चालू है, बंद है, पुलिस वाला खड़ा है, नहीं है, अपन ने देखा ही नहीं किधर। इधर ना, इधर सेंट जॉर्ज स्कूल के इधर ब्रिज है, तुमने देखा रहेगा, गटर है और नाले का वो ब्रिज है, ये तो अभी बहुत अच्छा कंडीशन बना दिया है, मेरे टाइम पर एक प्लाई रखा था खाली, सही है, मतलब अगर तुम भागते भागते आ रहे हो बैलेंस बिगड़ा तो सीधा ऐसे ही नीचे जाएगा, गटर में ही जाएगा, सही है, साथ में वाटर राइड मिलेगा तुमको ऐसा, सही है। बट ना उस दिन इतना सुपर तरीके से साइकिल चला रहा था ना मैं बिना देखे, सेंट जॉर्ज के इधर भी कुत्ते हैं वो भी भागते हैं पीछे, ठीक है, तो इधर से मैंने ना धनाधन प्लाई के ऊपर से साइकिल भगाया, फुल राइट मारा, तो देखा तो इधर बच्चे लोग बाहर खड़े थे ना, तब मेरे को ऐसा लगा भाई अभी रिलैक्स, अभी कोई कुत्ता नहीं अपने पीछे। हुआ अभी तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं नहीं हुआ, लड़कियों के साथ हुआ क्या? हुआ ना, अपने बॉडी में ना वो ना, तुम वो टाइम पे ना तुमको लगता है मेरे में ताकत नहीं है, तुम कितने भी भूखे रहने दो, उस टाइम पे जो तुम पेडल मारते हो ना साइकिल को, वो फायर होता है, फायर मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ आया भूसा लेके रेस लगा रहा है ना, वो भी पीछे रहेगा, उसको भी तुम बोल सकते हो किधर से, ठीक है, इधर इधर देखा अभी ऐसा देखा। अपने बॉडी में ना, अपने ये सब क्यों होता है, अपने बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें दो बेसिकल सिस्टम होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा? मैं इसको पैथेटिक बोलता हूँ, पैथेटिक, सही ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक, नर्वस सिस्टम, इतना सरदर्द टॉपिक है ना, मैं इसको पैथेटिक सिस्टम ही बोलता हूँ, बहुत बहुत बकवास सिस्टम, सबसे हार्ड अगर बायोलॉजी में कुछ है तो ये। बट अभी ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल हो गए कि ये मतलब मैं पूरा स्ट्रेस में, मेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है, 5-10 कुत्ते, साइकिल मारो पैडल, ठीक है, बाहर में गई दुनिया, ठीक है, अपने को अपना साइकिल बचाना, खुद को बचाने का, अपन देख रहे कुत्ता इधर से अपने को देख रहा भागते भागते, सही है ना, अपन कुत्ते को देख रहे, कुत्ता अपन को देख रहा, आई कॉन्टेक्ट हो गया, पर अपन पैडल नहीं छोड़ रहे, देखा, फुल जोश में अपन पैडल मार रहे थे तभी अपना ये वाला सिस्टम पीक पर होता है, मतलब अपने बॉडी में सर है, तब अपना बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड होता है, सही है। तुमको मैंने बताया, मैंने घर से चालू किया, जब मैं घर से लेके इधर तक आया तो कंटिन्यू पेडल मारे जा रहा, खाना खाया, पानी पिया, पानी का प्यास लगा, भूख लगा, कुछ सूझ नहीं रहा, क्लास का होमवर्क रहा है नहीं रहा, इसका सर ये सर, इसका लेक्चर उसका लेक्चर, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, एक ही चीज़ दिख रहा, अगर ये मैंने ब्रेक मारा तो कुत्ता मेरा पैर पकड़ेगा, पैर पकड़ा मतलब 14 इंजेक्शन अलग आएगा, ठीक है, सही ना, सही ना, अपने को मालूम है स्ट्रेस कंडीशन में ये एक्टिवेटेड रहता है, सही है। और जब अपन रिलैक्स रहते ना भाई, सर ने बोला होमवर्क करने के लिए, किया ले, 5 बार बोला ले किया, 10 बार ले किया, ओरल के आ किया ले ओरल जैसा, है ना, है ना, अपन जैसे रहता है भाई, आज एसी चालू करेगा, घर पे तकिया लेगा, टीवी देखेगा मस्त, पॉपकॉर्न बाजू में, घर वाले चॉकलेट वॉकलेट देखे, मस्त रिलैक्स करके आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे, मस्त एकदम जिंदगी बिताएंगे नेटफ्लिक्स सामने, सही ना, ये रिलैक्स कंडीशन है, सही ना, क्या कंडीशन है ये? रिलैक्स कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन मतलब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड, सही है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पेथेटिक,
सही है ना। अब ना, अब अगर मैं ऊपर एक एक वर्ड लिखता हूं, ये सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल ड्राइव, ज्यादा राइट वर्ड सेक्सुअल ड्राइव, इन दोनों में से कहां दिखेगा तुमको? तुमको तुम सोच सकते हो ये चीज, तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते भाग रहे हैं, तुम साइकिल भगा रहे हो और उधर मस्त लड़की जा रही है, तुम्हारा ध्यान लड़की पे जाएगा। देख सकते हैं ऐसा होने वाला क्या, ऐसा होने वाला क्या? तुम अपना पूरा जान लगा रहे हो पेडल में मार रहे, सही है ना? तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रहा है, चेन टूटा तो आज जिंदगी से हाथ धोएंगे, सही है ना? तुम मारो पेडल मारो और उधर से एक लड़की आती है मस्त एकदम गोरी सी एकदम, सही ना? सेंट मेरीज की लड़की है, सही है ना? सही ना? सेंट मेरीज की लड़की है, तुम सेंट पायस के हो, सही ना? तुमने अपनी जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी और उधर पायस के लड़के हो, मेरीज की लड़की आ रही है, पीछे 10 कुत्ते भाग रहे हैं, साइकिल पेडल मार रहा है, तो तुम लड़की को देखोगे क्या? नहीं, सही है ना? इधर इधर लड़की को देखा, बाढ़ में गई लड़की, दूसरी देख लेंगे अपन, शाम को वापस ही ग्राउंड मार के आऊंगा। सही ना वेदन, और वरना शाम को फिर ग्राउंड मार गया भाई, अभी जान बचेगी ना तो अपन सब करेंगे, सही है ना? सही है ना? अगर मैं तुमको बताऊं कि तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते भाग रहे हैं और सामने ऐसा बर्गर किंग में बर्गर बन रहा है या फिर उधर चाइनीज मेल बना रहा है, मंचूरियन बना रहा है, तुमको सुगंध आ रहा है, तुमको इंटरेस्ट आया सुगंध लेने में? भाई अभी तू मेरे को अपने हाथों से खिला तो भी नहीं चाहिए, सही है? मतलब जब भी अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है ना, तो हमको सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर, खाना पीना, 2 दिन से पानी नहीं पिया, नींबू पानी पीने का मन है, ये करने का मन है, वो करने का मन है, कुछ नहीं सूझेगा, सही है? तो तुमको अगर सेक्सुअल ड्राइव आ रहा है तो सिंपैथेटिक पे आएगा कि पैरासिंपैथेटिक पे? पैरासिंपैथेटिक पे, सही है ना? पैरासिंपैथेटिक पे जब तुम होते हो ना, इधर जब तुम्हारे बॉडी का पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है ना, तो तुमको दिमाग में आता है कि चलो भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज है, सही है ना? अपन को इधर 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 अगर सेक्सुअल डिजायर है तो इधर से रिलीज होता है NO, ना नहीं, नो नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड तुम्हारे बॉडी का पहला गैशियस हार्मोन। क्या है ये? गैशियस हार्मोन। क्लियर हुआ ये चीज? समझा? ये गैशियस हार्मोन सीधा जाएगा पेनिस में। किधर जाएगा? पेनिस में। पेनिस में तुमने देखा इधर यूरेथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इधर क्या था? एक इरेक्टाइल मसल, इरेक्टाइल टिश्यू, इधर क्या था? और दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू जिसमें क्या था? ब्लड वेसल था। सही है, सही है। अब ना ये ब्लड वेसल होता ना, ये हार्मोन होता ना गैशियस हार्मोन, ये इन ब्लड वेसल्स को खोल देता है, मतलब पहले ब्लड वेसल छोटा सा है, सही है? अब मैंने ब्लड वेसल का रेडियस कर दिया इतना, डायमीटर कर दिया इतना, तो तुम मेरे को बताओ ब्लड इसमें से ज्यादा पास होएगा कि इसमें से? अगर ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, मैं तुमको बोला था ना ब्लड सप्लाई बढ़ने पे पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, सही है ना? ये पेनिस का साइज इंक्रीज होगा तो ये इरेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा? इसमें ब्लड वेसल में ब्लड आना पास, ब्लड पास होना शुरू कर देगा, तो जो ये जो लूजली इंटैक्ट मसल है, टिश्यू है, वो हो जाएगा हार्ड और इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसके वजह से? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के वजह से। समझा ये? क्लियर हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, समझा? इधर तक क्लियर? 2 मिनट डोर बंद करना, सर बोलिया क्या बात है, डोर बंद कर लो। इसका एक, हाँ डोर बंद करो, इसका एक मस्त एग्जांपल है, जिसका ड्रग का क्वेश्चन नीट के पेपर में दिखा था एक बार। एक ना जब ही ना यूएसए का सीन है चीज, यूएसए में एक ड्रग आया था सल्फ डेनामाइन सिट्रेल नाम के ब्रांड से बिक रहा था, सही है? ये ड्रग क्या होता था, उनमें जिसको भी हार्ट अटैक्स आते थे ना,
हार्ट अटैक, मालूम है ना हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है आर्टरी अपना ब्लॉक हो जाता है, सही है। तो ये लोग उस टाइम पे वो ड्रग देते थे ताकि वो आर्टरी जिसका रेडियस छोटा है तुम वो नाइट्रिक ऑक्साइड का ड्रग लो और आर्टरी का साइज बड़ा हो जाए, बताया था ना ये चीज, आर्टरी का साइज बड़ा हो जाए, सही ना। सल्फेनामाइल सिट्रेल नाम है उसका ड्रग का, तो रेडियस बड़ा हो जाता है तो जो ब्लॉक होता है वो क्लीन हो जाता है, सही ना, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो क्लीन हो जाता है। तो बहुत सालों तक ये हार्ट डिजीज के लिए दवाई दी जाती थी, किसी को हार्ट अटैक आया तो ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, किसी को ब्लॉकेज है दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये दवाई का मिसयूज होने लगा, सही है, किसके लिए बनाया था हार्ट डिजीज के लिए, यूज किसके लिए कर रहे हैं, सर दो मिनट बस, यूज किसके लिए कर रहे हैं एज अ वाइग्रा, सही है। अगर कोई पर्सन जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैशियस हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा, इनफ नहीं, अगर मैं तुमको बोलूं ये इनफ है तो ये सारे ब्लड वेसल को खोल देगा, सारे ब्लड वेसल खुलेंगे तो ज्यादा देर तक ब्लड रहेगा तो पेनिस ज्यादा टाइम तक इरेक्ट रहेगा, क्लियर हो रहा है चीज। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रीसेंट कंडीशन पे, सबसे बड़ा, जहां पे भी तुम देखोगे ये बड़ा प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एनओ का कमी हो जाता है, एनओ ज्यादा है ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा तो ज्यादा देर तक इरेक्ट चल रहा है, इरेक्शन है, समझा ये। अगर एनओ कम है तो ब्लड सप्लाई भी कम, ब्लड सप्लाई कम तो इरेक्शन कम, पक्का ये चीज पक्का। अगर एनओ का प्रॉब्लम, अगर कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सही है, कुछ नहीं करते ये लोग, या तो तुम उसको एक्सरसाइज कराओ, कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज सुना तुमने, क्रे मास्टर को ऊपर खींचो, क्रे मास्टर को रिलीज करो, क्रे मास्टर को ऊपर खींचो रिलीज करो, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा तुम्हारे ये मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, सही है, क्या हो जाएगा ये मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, ये मसल तुम्हारा एनओ और रिलीज कराएंगे, समझा, ये मसल स्ट्रांग रहेगा, ये भी एक स्टिमुलेटर है एनओ को रिलीज करने के लिए, समझा, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर मसल स्ट्रांग है तो वो एनओ को रिलीज कराएगा, अगर मसल वीक है तो एनओ को रिलीज नहीं कराएगा, जितना ब्रेन की तरफ से आ रहा है वही ठीक है, समझा, ये समझा। सेक्सुअल ड्राइव पे इरेक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक तुम्हारा ब्रेन, एक तुम्हारा मसल, सही है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो तुम सिंपैथेटिक पे हो, सही है ना, सिंपैथेटिक पे, तुम पैरासिंपैथेटिक पे हो नहीं बट तुम जबरदस्ती ड्राइव ले रहे हो, अब जबरदस्ती ड्राइव ले रहे हैं तो यहाँ पे एनओ इतना रिलीज नहीं होगा, एनओ रिलीज नहीं होगा तो तुम्हारे ड्राइव पर इफेक्ट करेगा, समझाई चीज, एनओ तो इरेक्शन तुमको ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्लियर हुआ चीज, ये पूरा कनेक्टेड है, सही है। सिंपैथेटिक का पार्ट मैंने अभी तक नहीं बताया इसमें, हम सिर्फ पैरासिंपैथेटिक पे ही चल रहे हैं, क्लियर हुआ। पैरासिंपैथेटिक मतलब ये रिलैक्स कंडीशन, क्या है ये रिलैक्स कंडीशन, हाँ कम रहेगा, स्ट्रेस कम, एड्रिनलिन रश कम, सही है ना। तो यहाँ पे एनओ रिलीज कराएगा, अगर ड्राइव है तो एनओ रिलीज कराएगा, ये एनओ क्या करेगा ब्लड वेसल्स को ओपन कर देगा, ब्लड वेसल्स ओपन होंगे तो ब्लड सप्लाई पेनिस में इंक्रीज होएगा और वो इरेक्शन देगा, पक्का। अभी तक इरेक्शन कैसे आया है वो अपन ने देखा है, इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन होता है और इरेक्शन चला जाता है, वो कैसे होता है वो अपना पढ़ने का बाकी है, समझा। ये अगर ड्रग देने का है तो ये की चीज का ड्रग है, सल्फेनामाइल सिट्रेल, ये ड्रग तुमको कोई नहीं देगा, तुम लिख के जाओगे तो भी कोई मेडिकल में नहीं देगा, तुमको बोलेगा नहीं है, ठीक है, हाँ रहता है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई नहीं देगा, क्योंकि एक डोज तुमको इरेक्शन दे सकता है, दो डोज तुम्हारा पंपिंग बढ़ा सकता है, सही है ना, हाई ब्लड प्रेशर दिला सकता है उस 3 घंटे के लिए, सही है 3 घंटे के लिए, अगर तीसरा डोज लिया तो तुम्हारे ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देगा,
इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा कि रप्चर हो जाएगा, आंखें सबसे पहले डैमेज होंगी, फिर ब्रेन डैमेज होगा और बंदा मर जाएगा, तीसरी गोली पे मर जाएगा। सही है? तो अगर तुमको इंस्टा पे दिखाते कि एक गोली खाने से ताकत बढ़ेगा, दो गोली से और ताकत बढ़ेगा, तीन से और ताकत बढ़ेगा, तीसरे पे इतना ताकत बढ़ेगा कि सीधा ऊपर, वाइग्रा वाइग्रा यही वाइग्रा है, इधर 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 यही वाइग्रा है, यही इसका केमिकल नेम ये है। फिर हुआ इसका काम स्टार्टिंग में कुछ और था, किसी और चीज के लिए बनाया गया था ये, बट यूज किसी और चीज के लिए किया जा रहा है। समझा? ये तुमको अगर शर्म आ रहा है तो नहीं आना चाहिए भाई, ये सब बहुत एक्सट्रीम्स पर है। सही ना? लोग सुनना पसंद नहीं करते बट करना पसंद करते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते बट खाना पसंद करते हैं। सही ना? सही ना? तुमको ऐसे बहुत लोग दिखेंगे जो ये रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। सही है ना? धीरे धीरे उनका बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगा, एक गोली का असर नहीं होगा, फिर उसको दो गोली चाहिए। सही है ना? मतलब वो दो गोली पे एनो ट्रिगर हो रहा है, एनो बन रहा है, एक गोली पे एनो नहीं बन रहा। सही है? समझा? सही है? तुम हेडफोन्स यूज करते हो? हेडफोन्स अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको अगर फुल वॉल्यूम पे सुनने का आदत है तो तुमको फुल वॉल्यूम पे ही सुनाई देगा, अगर मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो तुम बार बार उसको पीछे रख के वापस सुनने की कोशिश करो, मतलब तुमने अपने कान को उस जगह पे अडेप्ट कर लिया। सही है? अगर मैं स्लो पे रखूँ, एकदम स्लो पे सुनता रहूँ और फिर मैं आवाज़ बढ़ा दूँ तो क्या होगा? कान फटेगा। सही ना? सेम चीज़ होता है, अगर तुम्हारा बॉडी नेचुरली एनो बना रहा है और तुम ये कंज्यूम कर रहे हो ना तो बॉडी बहुत ज़बरदस्त असर दिखाने वाला है। समझा? एक तुम्हारा बॉडी एनो बनाता है फिर ये एनो बनवाता है। सही है? परेशान होगा और परेशान होगा। क्लियर हुआ? रब करूँ ये? पांच मिनट का ब्रेक देता हूं मैं। तो ऋषि मजा आया ना?